नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना श्रवण सी एल सी सीकर से मेरे साथ है नीले जी पिलानिया जो मेरे एनडीए अकेडमी के सेंटर हेड हैं आप सब जानते हैं आपकी अपनी सी एल सी नीट जे में परफेक्शन के साथ काम कर रही है इसी सेशन से हम लोगों ने एनडीए की सेपरेट विंग लॉन्च की है जिसको आप पूरा डील करते हैं एनडीए के बारे में बताना चाहूं तो आप सब जानते हैं साल में एनडीए दो बार होता है एक सेप्टेम्बर में होता है अप्रैल में होता है ऑलमोस्ट फर्स्ट संडे ऑफ सेप्टेम्बर और फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल अभी ये 2022 2022 का एग्जाम जो 4 सितंबर को हुआ इस, पेपर का वीडियो इस पेपर पे मिलेगा मैं कुछ बातें उसके पहले आपसे करना चाहूंगा आपके अपने सीएलसी ने एनडीए के लिए सेपरेट एक कैंपस क्रिएट किया है सेपरेट एक फैकल्टी क्रिएट की है और सेपरेट सेंटर बना के एक बिल्कुल नीट और जई के क्वालिटी

अप्रैल 2023 का जो एनडी होने जा रहा है उसके लिए 8 सितंबर 2022 और 12 सितंबर 2022 को एनडीए के एक्चुअल टारगेट टार्गे। के कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेवन ट नहीं, नहीं। किया जा सकते वो दोनों मीडियम के साथ है तो डीयर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सत्ताईस साल का विश्वास सीएलसी पे आपका नीट और जेई पे है उतना ही विश्वास उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ हम लोगों ने एनडीए लॉन्च किया है आप बाकायदा एनडीए के लिए भी जुड़ सकते हैं सीएलसी के साथ एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं NDA की पेपर की बात करूं तो वहाँ पचास क्वेश्चन इंग्लिश के, के आते हैं और, 120 मैथ के आते हैं। हैं। और मैंने जो मैथ है कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो जो लोग देख रहे हैं छह से लेकर दस तक की एनसीआर की बुक्स हैं, एस एस टी की जनरल साइंस की और मैथ की यदि आप इनको ढंग से निकाल लेते हो ना तो आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्रेक कर सकते हो नीट और जेई के अलावा जैसे आपका उसके बाद कुछ बच्चे सीजीएल देते हैं वो भी बच्चे कहते हैं वो यहीं से पूरा पेपर आता है चाहे हाँ। तो आर का प्री हो तो यूपीएससी का प्री हो ये बहुत बड़ा बेस है तो जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं वो छह से तैयार हो जाए और इसीलिए आपकी अपने सीएलसी एल सिक्स क्लास से बेस्ट स्टार्ट कर देती है छः सात आठ नौ दस का नाम है प्री फाउंडेशन ग्यारह बारह का नाम है फाउंडेशन आप बारह का नाम टारगेट कोर्स है हमारे खुद का अपना स्कूल है कृष्णा विद्या मंदिर केवी राजस्थान बोर्ड का है बी आर स्कूल हमारा सी बी एस ई बोर्ड का स्कूल है दोनों स्कूल तो पूरी स्कूल की फैसिलिटी सारी व्यवस्थाएं आपकी संस्था देती है और दोस्तों यदि अभी आपने एन डी ए सेकेंड या चार अप्रैल दो हज़ार बाईस का एग्जाम दिया है बारहवीं तो पास हैं तो आप एक टारगेट के लिए एक साल के लिए एनडीए का और प्रयास करना चाहें तो अप्रैल में जो एनडीए की एग्जाम होने वाली है दो हजार तेईस अप्रैल में उसके लिए आपकी सीएलसी आठ अप्रैल दो हजार बाईस और बारह अप्रैल दो हजार बाईस को हिंदी इंग्लिश मीडियम के साथ 2022 के बारे में बात करेंगे और पेपर का पूरा सोल्यूशन रहेगा तो अब मैं अगला जमा सौंपता हूं नीले जी को नीले जी आप देखें जय हिंद दोस्तों वेलकम टू सी एल सी डिफेंस अकेडमी आज जैसा कि आपको पता है कि 4 सितंबर 2022 को एन का पेपर हुआ है उसका आज हम एक एनालिसिस और वीडियो सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे एग्ज़ाम देने के बाद में बच्चों की एक अलग ही इच्छा होती है कि हमें कट हमारी कट ऑफ क्या जाएगी इस बार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा हमें एस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको एस की तैयारी करनी चाहिए ये मेरा एक पर्सनल व्यू रहता है क्योंकि एस का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट जो कि आपको सेलेक्शन के अंदर ही नहीं आपको अपनी लाइफ के अंदर भी इम्पोर्टेंट रहता है दूसरा जो आज एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं यह एनालिसिस हमारी एक टीम का पूरा एनालिसिस है हर सब्जेक्ट के जो पर्टिकुलर टीचर हैं उनका एक एनालिसिस है हमारे जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे उनके व्यूज़ हैं और जो हमने दूसरे जो हमारे सोर्सेज थे उनके माध्यम से एक आज हमारा कट ऑफ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे तो चलो आज हम उसमें जो मैथ वाला जो पोर्शन है हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ तो सबसे पहला जो पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथ का हमें पता है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन का जो लेवल बनता है वो एक लैंग्वेज बेस पे बनता है मतलब लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं वहां मैथ का जो लेवल है वो रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट मॉडर टू डिफ़िकल्ट मैंने इसलिए कहा है जो हमारे जो टीम मेंबर्स थे मैथ वाले उन्होंने काफ़ी उनका ये था कि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वहाँ लगभग 20 टू 25 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते थे जो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो रहे हैं बट इस बार सर अप्रॉक्सीमेट फोर्टी फाइव क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो रहे मीन टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट है और टाइम कंज्यूमिंग वाला जो पोर्सन है उसके कारण उनकी मैरिट या फिर जो आपके पास मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो उनका एक एनालिसिस था कि सर जिस बच्चे के 125 टू 130 मार्क्स अगर बन रहे हैं मैथ में तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा दूसरा पोर्शन अगर हम लोग डिस्कस करें गेट वाले पोर्शन में जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश का आपको पता है कि एन के अंदर मैथ और इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहते हैं और ये वो सलेक्शन वाले पोर्शन रहते हैं कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन मैथ और इंग्लिश तो मैथ का लेवल जो था हमारे सर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि सर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बट जो इंग्लिश का जो पेपर था या जो इंग्लिश के सर थे उन्होंने सीधा कहा कि सर पेपर का लेवल बहुत ईजी था उनका कहना था कि कुछ एंटोनियम सिनोनिम्स की वो बात कर रहे थे कि सर एंटोनियम सिनोनिम्स ऐसे क्वेश्चन थे कि उनको देख मुझे लगा कि इस बार एग्जाम में पूछे क्यों गए हैं उन्होंने कहा कि सर हमने जो वर्कशीट दी है बच्चों को प्रैक्टिस सेट दिया है जो हमने मॉड्यूल्स दिए हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं दूसरा उनका लेवल अगर मैं डिस्कस करूँ तो इजी सा उनका ये भी था कि सर जो बच्चा जनरल इंग्लिश के बारे में नॉलेज रखता हो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चा द हिंदू रेगुलर पढ़ रहा हो उस बच्चे की 25 फाइव टू थर्टी क्वेश्चन ईजिली वे में अटैम्प्ट हो जाएंगे नेक्स्ट अगर मैं पोर्सन बात करूं आपके पास साइंस वाले पोर्सन की तो साइंस वाले पोर्सन में पहला पोर्सन फिजिक्स जिसके 25 फाइव क्वेश्चन थे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा केमिस्ट्री जिसके क्वेश्चन थे हमारे पास 15 और नेक्स्ट था बायो जिसमें क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट उनका सर का कहना था कि सर 9 टू ट्वेल्थ का जो एन है वो लेवल इस बार साइंस के पेपर में रहा है और उनका साथ ये भी कहना है कि सर जो पेपर का लेवल था वो इजी टू या मॉडरेट टू इजी इस तरीके का लेवल रहा है मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट इस बार पेपर नहीं रहा जो लेवल मैथ में इंक्रीज़ हुआ है वो इस बार आप लोगों ने इंग्लिश में डिक्रीज करके वहां से नंबर ऑफ मार्क्स ऑपटेंड कर लिए मतलब जितने मार्क्स का लॉस आपको मैथ में हो रहा है उतने मार्क्स आप लोग इजीली वे में ऑपटेंड कर पा रहे हो कहां इंग्लिश में तो मतलब एक एवरेज सा बन गया फिर मैं अगर पोर्सन की बात करूं आपके जीके वाले पोर्सन की जो गेट वाला पोर्सन है उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर को करंट अफेयर जो हमारी टीम है उन्होंने कहा कि सर लास्ट एट मंथ का जो करंट अफेयर है वहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था सर का यह भी कहना था कि सर जो हमने सीट्स वगैरह जो करंट अफेयर की दी थी वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे लाइन टू लाइन क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं करंट अफेयर के लगभग 15 क्वेश्चन थे जिनमें से सर कह सर का कहना है हमारे टीम मेंबर का कि सर 9 टू 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने पेपर्स में करंट अफेयर का जो हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं उसमें से डिस्कस किए गए थे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स का भी एक बेसिक इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो नाइन्थ और टेंथ क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस था वहाँ से डायरेक्ट आर्टिकल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे स्ट्र की बात करें तो एक इजी सा पोर्शन था ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था तो वैसे ही मैं अगर आप लोगों के पास जीके वाली जो पोर्शन की मैं बात करूं तो ये कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट मतलब थोड़ा सा इजी थोड़ा सा डिफिकल्ट इस तरीके का पोर्शन रहा है जो जीके वाला जो पोर्शन है जैसे कि आपको बोस ने भी बताया ये टू की जो NCRT है उससे बाहर और यूपीएससी तो हमें सबको बताया कि सिक्स टू ट्वेल्थ एनसीआरटी से ही क्वेश्चन उठाती है भाई तो वैसे ही इसका एक फाइनल जो एनालिसिस हमारा ओवरऑल रहा जैसे बच्चे जो एग्जाम देकर वापस लौट रहे थे जिनसे मेरे से बात हो रही थी वो बच्चे कह रहे थे कि सर कट ऑफ काफ़ी जगह मोर देन फोर हंड्रेड मार्क्स बताया जा रहा है तो मैं उन्हें कहूँगा डरने की जरूरत नहीं है सबसे कम जो कट ऑफ गई थी 2016 में लेस देन आई थिंक 250 और जो सबसे हाईएस्ट जो अभी रही है वो रही है 360 तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है जिस बच्चों के 355 प्लस माइनस फाइव बट इस बात का ध्यान रखना विद एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ये अगर हो रहे हैं तो उन्हें एस एस बी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि एस एस बी के लिए फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और एस एस बी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्सन भी है हमारे एन डी ए के अंदर तो मेरा ये एक एनालिसिस रहा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट जय हिंद जय सी एल सी हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ कुलदीप राठौर टीम सी एल सी मैथमेटिक्स अपन आप लोग एनडीए का सॉल्यूशन करेंगे टर्म टू का सीरीज ए का तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपना हाउ मैनी फोर डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच देट ऑल डिजिट आर ओड अपने पास में डिजिट कौन कौन सी यूज करने हैं फोर डिजिट का एक नंबर बनाना है अपने को वन टू और डिजिट क्या क्या यूज करने ओड डिजिट यूज करने वन थ्री फाइव सेवन और नाइन इन पांचों से बनाना है तो यहाँ के लिए चॉइस कितनी तो है फाइव अपने को बोला नहीं रिपीटिंग करना है या नॉन रिपीटिंग यहां के लिए भी फाइव ये भी फाइव और ये भी फाइव तो कितनी होगी फाइव पावर फोर मींसिक्वेंटी फाइव तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट वाला अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेकंड नंबर व्हाट इज टू पावर आर सी एन आर अपने को बेसिकली क्या करना है इसको एक्सपेंड करना है टू की पावर आर तो आर इक्वल टू तो जीरो रखेंगे तो टू की पावर जीरो और ये क्या होता है एनसीआर आर इक्वल टू जीरो रखा था एनसी जीरो फिर क्या आएगा टू की पावर वन एन सी वन फिर टू की पावर टू एन सी टू एंड सो वन लास्ट टर्म इज टू की पावर एन एन सी एन बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है अपने पास में वन प्लस टू पावर एन का एक्सपेंशन है देखो एनसी जीरो एन सी वन एन सी टू और टू की पावर एक ही बढ़ती जा रही है. तो ये क्या है थ्री की पावर तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा सेकंड वाला उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर लिस्टेड मैथमेटिक्स के अपने को क्या बनाने डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन तो मैथमेटिक्स में पहले तो लेटर देख लेते हैं कौन कौन से है सबसे पहले तो एम फिर ए फिर टी एच ई फिर दोबारा एम ए टी I, C और S, ये लेटर आर लिस्टेड एज इन एक डिक्शनरी बनानी है ये लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी ऐसे होंगे वर्ड ए से स्टार्ट होने वाले होंगे फिर इसके बाद में बी बी तो है नहीं इसमें तो फिर क्या होंगे सी से स्टार्ट तो ये बोल रहे है कि सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले तक कितने वर्ड आ चुके होंगे वही करना है तो इसका मतलब ए वाले वर्ड निकालने अपने को ए से कितने स्टार्ट होंगे तो फर्स्ट प्लेस पे ए आ जाएगा उसके बाद में कितने प्लेस है टू फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एक तो आए गया तो टेन प्लेस पे अपने को अरेंज करने हैं बाकी के बचे हुए लेटर कितने लेटर है अपने पास में टोटल टेन लेटर्स उसमें ये दो अलग अलग है और ये दो सेम सॉरी ये दो सेम है ये भी सेम है तो कितने हो गए टेन लेटर्स टेन फैक्टोरियल अपॉन

तो ये बोल रहा है कि एफ कैसा होगा फंक्शन होगा एफ इज ए फ्रॉम जेड टू जेड देखो अपने पास में में और 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 कुछ इस तरह से सेट करने अपने को कि ये function बने, या ना बने मैं देखो X का का एक ले ले रहा रहा दूसरे केस में ले रहा हूं एक्स का वैल्यू टू और वाई का वैल्यू वन तो एक्स इंटू वाई क्या आएगा इसमें टू आएगा वन इंटू टू और यहां पे भी एक्स इंटू वाई कितना आएगा टू इंटू वन बट यहां पे x माइनस वाई का वैल्यू माइनस वन और यहां पे x माइनस वाई प्लस का वन देखो एक्स वाई इक्वल टू टू मतलब डोमेन का एक एलिमेंट है टू जिसकी क्या इमेज आ रही है वन भी आ रही है और माइनस वन भी पॉसिबल है ऐसा नहीं तो क्या हो जाएगा f क्या नहीं होगा फंक्शन नहीं होगा तो स्टेटमेंट वन तो रोंग हो गया अब आते हैं स्टेटमेंट सेकंड पे फ इज द सबसेट ऑफ क्रॉस N डिफाइंड बाई एफ सेम तरीका इसमें भी यूज करना अपने लेकिन इस बार देखो यही दो केस ले लेते हैं एक्स वाई एक्स वाई तो वही टू आना है लेकिन एक्स प्लस वाई कितना आएगा वन प्लस टू थ्री और यहां पे भी एक्स प्लस वाई थ्री देखो टू के लिए इमेज थ्री आ रही है यहां पर भी यहां पे भी थ्री इसी तरह और भी केस देखोगे के, तो एक एलिमेंट के लिए इमेज कितनी आ रही है

और फिर इसका माइनर तो ये पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा अपन सी थ्री के क्या सी थ्री क्या है कॉलम थ्री सी थ्री के क्या डिटर्मिनेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए वन थ्री इंटू एम वन थ्री फिर माइनर ही आता है ना माइनस ए वन वन सॉरी ए टू वन इंटू ए थ्री टू ए थ्री वन इंटू ए ट्वेंटी टू फिर आएगा माइनस ए ट्वेंटी थ्री इंटू माइनर ऑफ टू थ्री इसी एलिमेंट का माइनर फिर ए थ्री थ्री और इसी एलिमेंट का माइनर एम थ्री थ्री अब देखो ए वन थ्री का वैल्यू कितना है वाई इंटू जेड एम वन थ्री माइनर ऑफ वन थ्री क्या है एक्स माइनस वाई सॉरी जेड माइनस वाई माइनस ए टू थ्री ए टू थ्री का वैल्यू जेड इंटू एक्स और एम टू थ्री ये वाला जेड माइनस एक्स फिर ए थ्री थ्री ए थ्री थ्री क्या है ए थ्री थ्री एक्स वाई और माइनर ऑफ थ्री वाई माइनस एक्स देखो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स और माइनस जेड जेड एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई तो इनको रीअरेंज करना है अपने को कैसे है? प्लस वाले तो एक साइड में कर लेते पहले ये वाला प्लस का आएगा ना प्लस का वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये गया एक तो फिर माइनस वाले यहाँ लिख लो वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से अपने को री करोगे तो एक ऑप्शन मैच कर जाएगा इन में से दोनों में से कोई एक मैच कर जाएगा फर्स्ट और सेकंड में से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ए एडजॉइंट ऑफ ए ए इनवर्स यहाँ पे सॉरी प्लस ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ ए ए माइनस ए इनवर्स ये सब कुछ कैलकुलेट करना है तो पहले तो अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए होगा तो डिटर्मिनेंट वन इंटू कोस इंटू माइनस कोस तो माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों माइनस के माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया माइनस ऑफ अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया तो ए इनवर्स क्या होता है अपने पास में एडजोइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए तो एडजोइंट ऑफ ए और डिटर्मिनंट ऑफ ए वो कितना है माइनस वन तो ये ए, ए, ए इनवर्स इक्वल टू तो क्या आ गया एडजोइंट ऑफ ए एडजोइंट ऑफ ए इधर ले आओ प्लस एडजोइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजोइंट ऑफ ए कितने आ गया जीरो तो ये यही बोल रहा है नल मैट्रिक्स तो ये वाला तो करेक्ट हो गया ए प्लस एडजोइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं अपन क्या आएगा देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा यहाँ पे पहले तो आता है ये वाला कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर माइनस फाइन स्क्वायर वो तो क्या है अपने पास में माइनस का वन फिर इसके साथ में आता है लेकिन एक माइनस के साथ में आता है मतलब दोनों रो और कॉलम जीरो हो जाएंगे तो ये वाला हो गया इसके साथ में भी ये वाले मल्टीप्लाई होके आएंगे वो भी जीरो फिर इस वाले एलिमेंट के साथ में कौन कौन से आएंगे ये और ये और ये और ये ये भी जीरो फिर कोस के साथ में कोस के साथ में ये वाली लाइन खत्म और ये वाली खत्म तो ये वाला क्या वन इंटू कोस माइनस का कोस और ये जीरो इंटू जीरो तो यहाँ पे आएगा कोस और वो भी माइनस का क्योंकि इसके साथ में प्लस आता है ना यहाँ माइनस प्लस तो जो होगा वही आ जाएगा माइनस प्लस कुछ लगना नहीं फिर साइन के साथ में देखो ये वाली लाइन कैंसिल ये वाली लाइन तो प्लस का साइन लेकिन एक माइनस आता है इसके साथ में तो यहां पे क्या बन जाएगा वो माइनस का साइन आगे फिर जीरो के साथ में इसके साथ में क्या आएगा ये वाली लाइन खत्म ये वाली लाइन खत्म तो ये जीरो जीरो हो जाएगा फिर साइन के साथ में क्या आएगा ये खत्म ये खत्म तो वन साइन थीटा लेकिन यहां पे माइनस आता है तो यहां पे आ गया माइनस का साइन थीटा और ये क्या है अपना जीरो फिर इसके साथ में कॉस के साथ में ये खत्म ये खत्म तो कॉस थीटा और माइनस तो है ही तो माइनस का कॉस थीटा तो यहां से निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू और इसका ट्रांसपोज लेना होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे अपने पास में नल मैट्रिक्स इनको ऐड करोगे ना तो तीनों के, देनों के, के दे किसके इक्वल आ जाएंगे जीरो के देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ नंबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन इफ एक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री टू क्रॉस थ्री ये वाई का ऑर्डर है और जेड का ऑर्डर क्या है अपने पास में थ्री क्रॉस थ्री तो पहला स्टेटमेंट जेड वाई इंटू एक्स ये करना है जेड और वाई का मल्टीप्लाई निकालना है जेड का ऑर्डर कितना है थ्री इंटू टू और फिर y का ऑर्डर कितना है टू इंटू थ्री और फिर x का ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री अब देखो ये और ये दोनों सेम है इसका मतलब मैट्रिक्स तो डिफाइन हो जाएगी और ऑर्डर कितना आ जाएगा थ्री इंटू थ्री और साथ में थ्री क्रॉस थ्री है थ्री क्रॉस थ्री की दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में किस तरह की मैट्रिक्स आती है थ्री क्रॉस थ्री की क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज होती है नाइन तो ये वाला स्टेटमेंट इसका सही है फिर इसमें वाई इंटू एक्स जेड वाई वाई का मतलब टू थ्री ये बाहर फिर एक्स 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 जेड का क्रॉस थ्री थ्री क्रॉस थ्री ये वाला ऑर्डर एक्स का, का फिर जेड का ऑर्डर थ्री क्रॉस यहाँ से तो अपने पास में ये थ्री थ्री सही है दोनों मैच कर गए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा थ्री क्रॉस टू थ्री और ये बाहर कितना ऑर्डर है टू क्रोस थ्री थ्री क्रॉस टू टू क्रॉस थ्री ये वाला मैच हो गया दोनों तो ऑर्डर क्या आ जाएगा टू क्रॉस टू टू क्रॉस टू के मैट्रिक्स आएगी ये तो उसमें कितनी एंट्रीज होती है फोर तो ये वाला भी सही इस तरह इसको चेक करोगे तो इसमें देखो एक्स वाई जेड वाई इंटू जेड मतलब टू क्रॉस थ्री और थ्री क्रॉस टू क्रॉस थ्री क्रॉस टू मिलेगी तो कितना आएगा टू क्रॉस टू और ये बाहर किससे मल्टीप्लाई है X से वो किससे ऑर्डर की है थ्री क्रॉस थ्री अब देखो थ्री क्रॉस थ्री और टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती तो ये डिफाइन ही नहीं है तो इसका मतलब ये भी सही है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वन टू थ्री फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट फॉर हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ तो अपने को निकालना है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो इसमें अपने को एस और पी दोनों क्या है इक्वल दे रखे एस इक्वल टू पी पुट कर देते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस एस इक्वल टू जीरो वैस की कुछ भी वैल्यू रखते जाओ आप वन वन रख दो टू टू रख दो तो कितनी मिनट

दो दो नंबर उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर आएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इेशनल नंबर आएंगे तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया ट्रू स्टेटमेंट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सेट ऑफ ऑल ओल्ड इंटीजर्स लेस देन हंड्रेड ओल्ड इंटीजर्स किससे छोटे हंड्रेड से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला अपने को है ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला तो माइनस टू भी माइनस थ्री बी ओर्ड इंटीजर है माइनस फाइव बी ओर्ड इंटीजर है ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएंगे और अपने को बोल रहे हंड्रेड से छोटे मतलब नाइनटी नाइन तक नाइन्टी सेवन ऐसे कुछ चलेंगे तो ये सब कैसे होंगे माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे तो कितने नंबर हो गए इसमें ऑड इंटीजर्स इनफाइनाइट और ये बोल रहे कैसा सेट है फाइनाइट सेट तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग तो कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये एक सम गिवन है अपने को समू फोर सिक्स एट अप टू टू एन इसका सम निकालना है ये कैसे है सम ऑफ इवन इन टू 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 एन तो मैं इसमें से टू कॉमन ले लू तो कितना बचेगा पे दो टू इंटू टू फोर होता है तो यहाँ पे टू फिर थ्री ऐसे करके टू एन में से टू बाहर आ गए तो एन तो ये सम कितना है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वो कितना होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और बाई टू बाई टू कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन और मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन ये इसने दे रखा है तो ये वाली चीज़ क्या होगी सही सेकेंड द एक्सपेंशन एक्सप्रेशन ऑलवेज गिवस ए प्राइम नंबर फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन देखो ये बोल रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन है ना ये हमेशा क्या होगा प्राइम होगा मतलब इसमें वन और इसके खुद के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाएगा और हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही होगा एक नेचुरल नंबर है अपने पास में कौन सा फोर्टी वन फोर्टी वन करेंगे आएगा? 41 प्लेस 41 प्लेस 41. 41. तो ये क्या फोर्टी वन का स्क्वायर प्लस प्लस कॉमन ले लो फोर्टी फोर्टी वन ये वन और ये 1. तो कितना आ गया फोर्टी वन इंटू फोर्टी थ्री है नहीं ना क्योंकि इसमें फोर्टी वन का भी डिवाइड हो रहा है फोर्टी थ्री का भी तो ये कैसा है कंपोजिट किसके लिए Equal to 41. 82 पे भी कंपोजिट ही होगा और इसके फोर्टी वन के जितने भी मल्टीपल हो उन सब पे कैसे हो जाएगा ये कंपोजिट बाकी भी हो सकता है प्राइम भी आए लेकिन हमेशा के लिए नहीं होगा एवरी फॉर एवरी नेचुरल नंबर तो ये वाला क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट तो कौन सा है यहाँ पे भी फर्स्ट वाला करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 लेट पी क्यू द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू इक्वेशन देखते दो चीजें पता चल गई क्या सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस बी एंड ऑफ रूट पी एंड इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस इलेवन पी क्यू इक्वल टू जीरो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू थर्टीन पी क्यू ऐसा लिख सकते कैसे? 11 P Q को उधर लेके गए 11 P Q, 2 P Q, 2 P Q ऐड कर दिए तो कितना आ गया? ये तो आ गया P plus Q का होल स्क्वायर और इधर कितना आ गया? 13 टाइम P into Q P plus Q का होल स्क्वायर means B स्क्वायर और 13 P Q means 13 टाइम C एक रिलेशन आ गया अपने पास में क्या? B स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 13 टाइम C P minus Q का होल स्क्वायर P minus Q का वैल्यू चाहिए अपने को तो माइनस क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ p+ प्लस क्यू टू स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू ये वाला कंडीशन सबको पता है p+ प्लस क्यू का होल स्क्वायर किसके इक्वल है बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू पी क्यू मीन फोर टाइम c अब देखो इसको बी स्क्वायर नहीं चाहिए सिर्फ c चाहिए तो बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे वहां से थर्टीन सी तो थर्टीन माइनस फोर Nine, nine में से बाहर आएगा तो थ्री और रूट सी थ्री टाइम रूट सी कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट वाला हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ ट्वेल्व साइड एक रेगुलर पॉलीगन है उसके अंदर बनाना है अपने सर्कल और ट्वेल्व साइड पॉलीगन है और अपने को रेडियस डायमीटर कुछ कुछ है तो अपन क्या करेंगे वो कंसेप्ट पता करेंगे कि किस तरह से अपन वहां पे पहुंचेंगे तो ट्वेल्व साइडेड पॉलीगन है अब इतना बड़ा पॉलीगन ट्वेल्व साइडेड बनाना पॉसिबल नहीं होता ना अपन उसका बनाएंगे भी नहीं अपन क्या करेंगे उसकी नंबर ऑफ नंबर ऑफ एंगल्स तो अपने को पता है ट्वेल्व होते हैं एक एंगल निकाल लेते हैं पहले वो कैसे निकालेंगे सम ऑफ एंगल्स कितना होता है एन माइनस टू इन्स ट्वेल्व माइनस टू अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स ट्वेल्व इन वन एन ये सिंगल एंगल पता चल गया 10/12 और 12 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 30 आएगा और ये 2 आएगा फिर इससे 15 तो 15 10 कितना एंगल आ गया एक 150 अब देखो एक सर्कल बनाया है ये सर्कल बन गया उस पे क्या करना है अपने को या तो उसमें 12 साइडेड पहले पॉलीगन के अंदर सर्कल बना दो या इस सर्कल के ऊपर एक 12 साइडेड पॉलीगन बना दो तो इस तरह से इसकी साइड टच करेगी कहीं पे यहां पे टच करेगी ये वाला एंगल अपने को पता चल गया कितना है 150 यहां से मैंने क्या किया इसके सेंटर को मैच कर दिया ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये वाला पॉइंट सेंटर मान लेते ये इसकी रेडियस अब इसको और इसको मैच कर देंगे तो कितना आएगा ये वाला एंगल आधा होगा इसका सेवनटी फाइव डिग्री अब एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये वाली साइड कितनी है वन लेंथ है तो टेन सेवनटी फाइव टेन सेवन का वैल्यू कितना आ जाएगा आर वन। तो रेडियस टेन सेवनटी फाइव अब रेडियस डायमीटर जो भी पूछा है आप टेन सेवनटी फाइव का वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन ए का वैल्यू एक एक सेट है अपने को कहां से कहां तक सेवन टू सिक्सटीन अब इसने कुछ डिफाइन किया क्या? F है क्या एफ है क्या एक रिलेशन या फंक्शन जो भी है ए टू एन मतलब इस सेट मतलब मतलब से यहां से उठाना है उसका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हाइएस्ट प्राइम फैक्टर सॉरी सेवन का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है सेवन खुद ही होता है तो पहला सेवन के लिए तो सेवन आ गया एट का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर टू इंटू टू इंटू टू यही होता है तो प्राइम फैक्टर कौन सा है टू फिर नाइन का थ्री इंटू थ्री तो हाइएस्ट कौन सा हो गया थ्री और टेन का टू इंटू फाइव तो हाइएस्ट हो गया थ्री तो और थर्टीन में, तो में खुद थ्री और फोर्टीन में सेवन फिफ्टीन में फाइव सिक्सटीन में भी टू कौन कौन से रिपीट हो रहे एक तो ये टू रिपीट हो गया और एक ये थ्री रिपीट हो गया एक फाइव रिपीट हो गया एक्स सेवन रिपीट हो गया तो कितने नंबर आ गए अपने पास में एलेवन थ्री थर्टीन फाइव टू तो कितने आ गए टोटल फाइव ये वाले इसकी रेंज होगी इन पे इमेज आ रही है ये ये वाली इमेज है इन एलिमेंट पे तो रेंज इमेज का मतलब ये होता है रेंज तो कितने एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे फाइव कौन कौन से रिपीट टू थ्री फाइव थ्री चलो सही फाइव एलिमेंट्स आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन

एक्सक्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो x इक्वल टू वन अब x का वैल्यू अगर वन होता है तब तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा बट उसके अलावा टू पे तो होगा नहीं टू पे इधर आएगा कितना फोर और इधर आएगा क्यू टू का एट फोर और एट इक्वल नहीं होते और ये बोल रहा है फोर ऑल नेचुरल नंबर्स तो ये तो गलत बात है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इसका मतलब क्या चेक करना पड़ेगा अपने को सिमेट्रिक हो गया या नहीं एक्स वाई मीन्स ऐसा कुछ मान लो एक्स स्क्वायर मैं क्या करता हूं इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब ये एक ही कंडीशन में सही हो सकता है दोनों इक्वल कब होंगे जब x इक्वल टू वाईक्वल टू वन बट इसने क्या बोला है एक कंडीशन दी किसी के लिए भी सही हो सकता है तो ये वाला तो सही हो जाएगा वन कोमा वन के लिए सही हो जाएगा x और y दोनों की वैल्यू बट ये ट्रांजिटिव बोल रहा है थर्ड वाले में क्या बोल रहा है ट्रांजिटिव थर्ड वाले में ये ट्रांजिटिव तो तो इसका मतलब तो क्या हो गया अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड क्यूब इन दोनों से देखो वाई स्क्वायर नहीं चाहिए वाई नहीं चाहिए ना इसकी तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ क्यूब फिर कर देता हूं इनको इक्वल क्यों यहाँ पे वाई सी पावर सिक्स यहाँ पे भी, भी वाई पावर सिक्स तो ये एक्स पावर फोर इक्वल टू जेड की पावर नाइन अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड की पावर थ्री तो यहाँ से एक्स स्क्वायर रूट ले लो इसका तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया जेड की पावर नाइन अपॉन टू और नाइन अपॉन टू थ्री के इक्वल कभी नहीं होता इसका मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग और अपने को नॉट करेक्ट पूछे तो कौन कौन से रॉन्ग नॉट करेक्ट है वन और थ्री तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चलो फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन क्या आएगा कंसिडर फॉलोइंग ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों क्या इक्वल दिए? अपने को गिवन है तो ये बोल रहा है कि ये इक्वल होंगे तो बी और सी भी अलग अलग मतलब इक्वल होंगे अपन एक सेट ले लेते ए चेक कर लेंगे अभी पता चल जाएगा वन टू थ्री और बी सेट क्या ले ले लेते थ्री फोर फाइव और ऐसे ही मैं सी सेट ले ले लेता हूँ थ्री फोर सिक्स देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लो ए और बी का ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब कौन सा कॉमन एलिमेंट है थ्री और ए और सी का इंटरसेक्शन वो भी थ्री है तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों क्या रहे? बराबर किसके इक्वल ये सेट आ रहे ये दोनों बराबर थोड़ी है नहीं है तो ये वाला गलत है स्टेटमेंट सेकंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि उसमें क्या आने कि सारे के सारे एलिमेंट आ जाने हैं इन दोनों का यूनियन ले हुए तो एक दो तीन चार पांच ये आ जाएंगे और इसमें वन टू थ्री फोर सिक्स बट ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये दोनों भी बराबर करने पड़ेंगे इसका मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा तो कौन सा सही है सेकंड नंबर ओनली अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है जेड इक्वल टू वन प्लस आयटा साइन थीटा अपन वन माइनस आयटा साइन थीटा मॉड्येड अपने को पूछा है इसने कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले तो जो नीचे दिया हुआ उसको ऊपर लेके जाएंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है यहाँ का साइन चेंज कर दो तो जेड इक्वल टू यहाँ का साइन चेंज करोगे तो नीचे क्या आएगा ये वाली चीज तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आइडेंटिटी वन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो क्या होती है ए स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आईटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आईटा स्क्तना है माइनस वन ये तो हो गया प्लस और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और वन का स्क्वायर कितना हो गया वन फिर ऊपर आएगा ऊपर ये वन प्लस आयटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका एक आएगा स्क्वायर वन प्लस आयटा साइन स्क्वायर थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर टू ए बी आता है ना तो टू आयोटा साइन थी मॉड्यूलस का मतलब इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होता है यहां पे एक्स स्क्वायर का मतलब रियल पार्ट और ये कॉम इमेजनरी पार्ट तो वन माइनस दोनों में डिनोमिनेटर में तो यही आएगा तो इसको एक साथ में लिख देंगे स्क्वायर करके वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका क्या करना है स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा इसका भी स्क्वायर और नीचे क्या आना है वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर और उसका लेना है कंप्लीट रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा वन प्लस साइन पावर फोर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और ये फोर साइन स्क्वायर थीटा मर्ज होंगे तो वन साइन पावर फोर और प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा वो और ये दोनों सेम तो सब सबका बटा के क्या बच जाएगा तो जेड का वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट जेड इज प्योरली रियल जेड प्योरली रियल होगा तो अपने पास में जेड का वैल्यू क्या आया था वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू आयोटा साइन थीटा अपॉन में वन प्लस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू जेड का वैल्यू अब इसने बोला है कि प्योरली रियल प्योरली रियल मींस इमेजनरी पार्ट विल बी जीरो साइन थीटा इक्वल टू जीरो साइन थीटा जीरो हो गया इसका मतलब थीटा इक्वल टू एन टाइम्स पाई एन पाई की होती है ये वाला सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर एटीन व्हाट इज द एंगल थीटा सच देट जेड इज प्योरली इमेजनरी प्योरली इमेजनरी मीन्स रियल पार्ट मस्ट भी इक्वल टू जीरो रियल पार्ट में क्या है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाना चाहिए जीरो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन और साइन थीटा वन और माइनस बनेगा तो वन और माइनस वन कहाँ पे बनता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई वो कौन सा है

तो P का वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगा n बाई टू और इसका फर्स्ट टर्म मैं मान लेता हूं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फर्स्ट टर्म हो गया फिर इसने बोला है Q Q भी ऐसा ही है सेम फर्स्ट एंड पॉजिटिव टर्म्स अनोदर इनक्रीजिंग एपी ये तो किसके लिए है a के लिए और d के लिए अपने पास में क्या है Q वो क्या है n बाई टू ए डेस प्लस एन माइनस वन इंटू डी डे इसके लिए मैंने कुछ अलग तरीके से फर्स्ट टर्म ए डेस सॉरी यहाँ पे टू टू आता है आ गया किसके लिए लिए b के लिए। अब अपने को चाहिए वट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ ए पी एक अपने को गिवन है p और q का रेशियो क्या है फाइव एन प्लस फोर इक्वल टू नाइन एन प्लस सिक्स इनका रेशियो लेना है ये लो रेशियो आ गया किसके इक्वल है अभी पता चल जाएगा 5n plus 4 divided by 9n plus 6 देखो रेशियो लिया है तो ये वाली चीज तो कैंसिल होगी। गई यहां पे अपने को a फर्स्ट टर्म का रेशियो देखना है इसका मतलब ये वाला टर्म गायब होना चाहिए तो n का वैल्यू क्या पुट कर देता हूं मैं 1 1 पुट करते हैं यहां पे तो आ जाएगा 2a और उधर

थ टर्म का रेशियो अपन ने क्या निकाला था एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन में एन बाई टू इंटू टू ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश ये कैलकुलेट किया था और ये किसके इक्वल था फाइव एन प्लस फोर अपॉन नाइन एन प्लस Six. ये वाला अब देखो टू से डिवाइड कर देता हूं ए प्लस वन ए प्लस एन माइनस डी टाइप बन गया टर्म्स का टेंथ टर्म का रेशियो पूछा है तो ये टेंथ टर्म बना लूंगा मैं कैसे बनाऊंगा n माइनस वन अपॉन टू को क्या कर लिया मैंने नाइन यही था टें्लस 90. तो एन का वैल्यू यहां से कितना हो गया एटीन और नाइनटीन एन का वैल्यू क्या हो गया 19. अब एन का वैल्यू यहां पे 19 पुट करो तो में नाइनटीन इंटू नाइन प्लस सिक्स ये वाला करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा इनमें से कोई एक रेशियो मैच कर जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है 21 इफ डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए ए का कॉमन डिफरेंस इसने क्या बोला डी वही अपन लगा लेते और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू स्मॉल ऑफ डी ये दिया है फर्स्ट के लिए और सेकेंड के लिए टू एड प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी इक्वल टू वही फाइव एन प्लस फोर अपॉन नाइन एन प्लस सिक्स ऐसा ही कुछ था चलो अब इसने पूछा है डी और कैपिटल डी में से कौन सा बड़ा देखो बाकी चारी सारी सारी चीजें तो इधर क्या लग रही है कुछ इक्वल इक्वल सी लग रही है लेकिन देखो यहां पे अगर ए का वैल्यू ये मान लेते हैं कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल डी बड़ा हो जाना चाहिए बट जरूरी थोड़ी ना ये इसका वैल्यू ज़्यादा हो इसका कम हो तो ये कम भी हो सकता है इस तरह से ये वाले वैल्यू में भी कोई क्लियरिटी नहीं है इसमें भी कुछ क्लियरिटी नहीं है और इसका तो वैसे भी इनमें से कुछ नहीं बोल सकते तो अपन अभी तक के डेटा के हिसाब से कुछ नहीं बता सकते तो नन ऑफ द अब इसका आंसर देना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अपनाट ऑफ एक्स क्यूब कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए मीन्स यहाँ पे अपने को चाहिए क्यू एक्स की पावर थ्री एन सी थ्री एन सी एन इक्वल टू एक्स पावर सिक्स मीन्स यहाँ पे क्यू एक्स की पावर क्या चाहिए सिक्स तो यहाँ पे आना चाहिए नाइन सी सिक्स पी क्यूब और क्यूब पावर सिक्स अपने को चाहिए नहीं उसकी वैल्यू एक्स 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 पावर सिक्स क्योंकि अपने को तो कॉफिशेंट चाहिए ना तो एक्स वाली चीज़ों को नेगलेक्ट कर देती है तो पी पावर थ्री और क्यू पावर प्या थ्री तो इधर पी पावर थ्री नाइन सी सिक्स और नाइन सी थ्री तो इक्वल होते हैं तो इधर तो आ गया पी पावर थ्री और इधर आ गया क्यू पावर थ्री तो यहाँ तो से वैल्यू क्या आ जाएगी पी इक्वल टू क्यू कौन सा ऑप्शन चाहिए क्यू का वैल्यू किसके इक्वल है पी तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वट इज द रेशियो ऑफ द देंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन अपने पास में एक्सपेंशन क्या था ये वाला टी एक्स प्लस टी प्लस पावर नाइन कितने टर्म है इसमें टेन 10 टर्म टर्म 10 है इसका मतलब दो टर्म आएंगे मिडिल ये बोल रहे पूछा है मिडिल टर्म कौन कौन से आएंगे एक तो फिफ्थ और एक सिक्स फिफ्थ टर्म का रेशियो फिफ्थ टर्म में क्या आएगा यह आएगा सॉरी फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म नाइन सी फोर और p पावर फाइव q पावर फोर और फिर क्या आएगा नाइन सी फाइव ये सिक्स टर्म है p पावर फोर q पावर फाइव ये कैंसिल हो गया 9c4 और 9c5 दोनों बराबर होते हैं तो, तो, तो रेशियो क्या आ गया p/q सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 4 अंडर व्हाट कंडीशन द कोफिशिएंट ऑफ x2 एंड x पावर 4 आर इक्वल x2 का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे 9c2 p पावर 7 और q पावर 2 ये आएगा x2 का कोफिशिएंट इक्वल टू x पावर 4 का कोफिशिएंट 9c4 5 Q पावर फाइव और क्यू पावर फोर ये दोनों बराबर कब होंगे ये पूछ रहा है स्क्वायर स्क्वायर और Q2 ऐसा कुछ रेशियो इधर से पावर फोर फाइव सेवन और उधर पावर तो पी स्क्न क्यू स्क्वायर ये आएगा टू और उधर फोर तो नाइन सी फोर अपॉन नाइन सी टू यह रेशियो आएगा अब इसके वैल्यू निकाल अपने क्या होता है नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स अपॉन फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन नाइन इंटू एट अपॉन टू नाइन एट नाइन एट कैंसिल टू से ये टू कैंसिल और थ्री से ये टू और यहाँ से ये टू तो कितना ऊपर गया ऊपर तो सेवन और नीचे टू सेवन बाई टू ये वाला रेशियो आ रहा है सेवन रेशियो टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर भी करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इसमें क्या Consider the word. Word है कंसिडर द वर्ड एक वर्ड है क्वेश्चन नाम से और उसके कुछ वर्ड्स बनाने हाउ मैनी फोर लेटर वर्ड्स ईच ऑफ टू वॉवल्स एंड टू कॉन्सोनेंट विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फोर लेटर्स है का वर्ड बनाना अपने को क्वेश्चन में वॉवल और कॉन्सोनेंट अलग अलग कर लेते हैं क्यू यू ई एस टी आई ओ और एन सब के सब नॉन रिपीटिंग है

तो चार कॉन्सोनेंट थे अपने पास में Q, U, E, S, T, I, O, N ये थे अपने पास में चार कॉन्सोनेंट और चार वोवल अब अपने को करना है कि अल्टरनेट पोजिशन पे आए तो यहां पे मान लो कॉन्सोनेंट आ जाए और यहां पे वोवल आ जाए कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल कॉन्सोनेंट, वोवल अल्टरनेट प्लेस आ गए या फिर वोवल से स्टार्ट हो जाए कॉन्सोनेंट एंड हो जाए ऐसा कुछ करना है चार चार्लेसेज है फोर फैक्टोरियल अरेंज कर दिए वैसे ही चार क्या है vowels है तो किससे अरेंज कर दिए फोर फैक्टोरियल सेम केस वोवल्स पहले आएंगे तो इनको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये कितने 24, 24 into 2. तो उससे अपना आंसर आ जाएगा Next question है विदाउट मीनिंग So तो ले पांच लेटर का वर्ड बना देंगे अपन तो क्या हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल और ये फोर आपस में भी अरेन्ज होंगे तो इनको फोर फैक्टोरियल से क्या कर देंगे इंटरनल अरेन्जमेंट कर देंगे तो ये वाला कैलकुलेट करोगे तो अपने को एक आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या है? पहले given, अपने को कुछ A, एक क्या? है, उसमें ये डायरेक्शन बोला है वैल्यू ऑफ ए वन वन इंटू सी वन वन देखो ए वन वन के साथ मेंल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई करते हैं सी वन टू वन थ्री के साथ में सी वन थ्री तो वो क्या आता है अपने पास में कुछ डिटर्मिनेट की वैल्यू आती है इसकी तो डेल्टा ये वाला सही हो गया फिर नेक्स्ट क्या है इसमें और अब देखो के साथ में किसी और के फैक्टर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो क्या बन जाता है जीरो तो तीनों मिलकर क्या बन गई जीरो वाला भी सही बाकी आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड है फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये इसका वैल्यू पूछा आपने को अपने पास में डेल्टा किसको बोला है इसमें ए वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू थ्री टू टू सॉरी ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री ये है अपने पास में डेल्टा इसने कुछ वैल्यू इसको इधर उधर किया है वो अपने को इसकी फॉर्म में लेके आने और बताना है कि आंसर क्या आंसर देखो सबसे पहले तो ए वन वन चाहिए ना तो ये चीज को उठा के इधर ले आओ लेकिन ए टू वन यहां पे चाहिए तो ये इधर आएगा और फिर ये आपस में इधर आएंगे तो दो बार शिफ्टिंग हो गई तो डेल्टा पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या किया मैंने पहले तो आर वन और आर टू को क्या किया इंटरचेंज फिर बाद में इसके बाद में दो स्टेप साथ में कर रहा हूं आर टू पे क्या आ गया यहां पे ए टू वन आ गया और आर वन पे क्या आ गया ए थ्री वन अब क्या किया आर थ्री और आर वन को क्या कर दिया इंटरचेंज तो देखो ए वन वन तो यहां आ गया ए वन ए टू वन यहां पर आ गया और एक सॉरी और यहां पे क्या आ गया ए थ्री वन ए थ्री वन आ गया फिर क्या करना है अपने को ए वन वन के नीचे ए वन थ्री था और ए टू वन के नीचे ए टू थ्री और एक ए थ्री थ्री और फिर यहां पे क्या करना है ए टू टू ए टू टू नहीं है ए वन वन के नीचे वन टू और ए टू वन के नीचे ए टू टू और यहाँ पे क्या आएगा ए ए थ्री वन के नीचे क्या है ए थ्री टू अभी भी देखो इसके जैसा बना नहीं है अभी वन थ्री मतलब ये लास्ट वाली लाइन में आएगी ये यहाँ पे तो ठीक है तो एक बार इसने क्या किया अपन ने आर सॉरी वहां पे कॉलम चेंज किए थे अपन रो चेंज नहीं किए ये कॉलम चेंज थे यहाँ पे आर टू और आर थ्री को अपन क्या कर देते इंटरचेंज कर देते तो वो क्या बनेगी देखो ए वन वन ए टू वन एन ए वन टू ए वन थ्री ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू और ए थ्री थ्री लेकिन अभी भी तो नहीं बना ना लेकिन माइनस आ गया इसके पहले एक अब क्या करेंगे इसका अपन ले लेंगे ट्रांसपोज और ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे ट्रांसपोज लेते ही, ये सेम आ गया माइनस के साथ में तो डिटर्मिनेंट वाला कौन सा आ गया माइनस डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एक फंक्शन इक्वेशन की वन अपने यहाँ पे Fx का वैल्यू मतलब क्या होता है ए टू दावर एक्स इसने एक कंडीशन और एक रिलेशन और दिया हुआ है वन की वैल्यू कितनी है टू एक्स की जगह वन पुट करोगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा टू तो इससे अपने को पता चल जाएगा तो ये ए है उसका वैल्यू कितना आएगा तो फंक्शन क्या आ जाएगा 2 टू डी पावर एक्स अब इसने क्या पूछा है समेशन किसका एफएक्स का कहां से कहां तक 2 से एन तक तो 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 ऐसे करके चलता जाएगा कहां तक 2 पावर एन तक और किसके इक्वल है 2 जीरो डबल फोर ये क्या बन गई एक जीपी जिसका कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो कितना है और फर्स्ट टर्म कितना है फोर फोर टू पावर टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन टू माइनस वन कितना होता है वन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना अब देखो फोर से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया फाइव वन वन टू पावर एन माइनस वन माइनस वन इक्वल टू फाइव वन वन और वन उधर लेके जाओगे तो कितना आ गया वन टू अब देखो फाइव वन टू मीन्स टू की पावर नाइन होता है नाइन का मतलब एन का वैल्यू कितना होना चाहिए टेन एन का वैल्यू टेन मतलब यह वाला ऑप्शन करेक्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसमें थर्टी टू पे वॉट इज एफ ऑफ एक्स टू एक्स माइनस वन एफ एक्स का वैल्यू तो अपने को पता है क्या है टू पावर एक्स अब यहां पे टू एक्स माइनस वन ऐसे ही सेम जी ए जी पी बन जाएगी टू की पावर एक्स का वैल्यू वन पुट करोगे तो कितना आएगा टू एक्स माइनस वन मीन वन फिर टू की पावर थ्री टू की पावर फाइव टू की पावर सेवन टू की पावर इन सबको ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे ए इंटू आर की पावर मीन्स टू की पावर टू टू की पावर टू आएगा इसका कॉमन रेशियो फोर की पावर और नंबर ऑफ टर्म कितने फाइव तो टू की पावर टेन माइनस वन अपोन में कितना आएगा फोर माइनस वन आर माइनस वन होता है टू की पावर टू फोर माइनस वन में थ्री तो यहाँ से पता चल जाएगा जो भी आएगा आंसर नेक्स्ट खुद है तो कितना आ जाएगा टू की पावर टू एक्स अरे इसका समय से निकालना है एक्स इक्वल टू वन टू सिक्स आ जाएगा आसानी से बाकी तीन जी पी सोल्व किए पहले वैसे ये वाली सोल्व हो जाएगी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स थ्री स्पोर्ट्स है अपने पास में और इसने अच्छा ये क्वेश्चन से पहले डिटेल्स ये देख लेते यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड मेडल्स इन बास्केटबॉल तीन गेम में ये क्या करती है बास्केटबॉल फुटबॉल वॉलीबॉल इन तीनों के अंदर क्या करती है ये कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है ओनली एक्स स्टूडेंट गॉट मेडल इन ऑल सब्जेक्ट तो अपन वेन डायग्राम यूज कर ले। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लो तीन गेम है तो तीनों के लिए तीन सर्कल हो जाएगा और ये मान लेते हैं अपन अपना क्या है यूनिवर्सल सेट ये तो सेट मान लेता हूँ मैं किसके लिए बास्केटबॉल के लिए ये फुटबॉल के लिए और ये वॉलीबॉल के लिए बास्केटबॉल ओनली एक्स स्टूडेंट गॉट मेडल इन ऑल थ्री तो मीन इस वाले पोर्शन का वैल्यू तो अपने पास में क्या है एक्स द थ्री स्पोर्ट्स एंड द मेडल वन टू टोटल स्टूडेंट कितने फिफ्टीन एक्स मतलब इसमें जितने भी आएंगे ना वो कितने फिफ्टीन एक्स अपने को ये वाले का कव... मतलब नहीं पता है तो अपन क्या कर लेते हैं अलग अलग चीजें अज्यूम कर लेते हैं ये ए बी सी हो गया ये अल्फा बीटा और ये गामा अब देखो इसने क्या बोला है सब को मिला लेंगे ना तो कितने मेडल है फिफ्टीन एक्स सबको मिलाएंगे ए बी सी एल्फा बीटा गामा और एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस प्लस बी प्लस सी प्लस एक्सलेशन सेटबॉल वाले पोर्सन के मेडल कितने फाइव एक्स मीन्स एल्फा प्लस बी प्लस ए और प्लस एक्स इक्वल टू फाइव एक्स तो ये कितना आ गया अपने पास में 4x. फिर फुटबॉल में कितना है इसके पास में फोर एक्स प्लस फिफ्टीन फुटबॉल में ए बीटा सी तो बीटा ए और सी प्लस एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस फिफ्टीन तो, तो यह आ जाएगा अपने पास में थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन ये एक्स माइनस करता जा रहा हूं साथ साथ में ज्यादा लिखना ना पड़े अपने फिर एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव किसमें है वॉलीबॉल में तो वॉलीबॉल में कितना है गावा प्लस बी प्लस सी X equal to X plus 25, तो X, X cancel, तो से ये कितना आ गया 25. अब फर्स्ट क्या है यही वाले एग्जैक्टली टू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए अपने को मैं क्या कर रहा हूँ इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूं ऐड किया तो क्या है अल्फा बीटा गामा आएगा एक तो और क्या आएगा ए और ए दो टू बी और बी टू और सी और सी तो टू टाइम आएगा ए प्लस बी प्लस सी इन सबको एड करना है थ्री और फोर सेवन एक्स और प्लस का आएगा फोर्टी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए इसमें अपने को तो इसमें से इसको मैं क्या कर देता हूँ माइनस तो कितना आएगा अपने पास में इसमें से इसको माइनस किया तो किसका वैल्यू आ गया ए प्लस बी प्लस सी क्वल टू सेवन एक्स प्लस फोर्टी और माइनस फोर्टीन सेवन माइनस फोर्टीन तो ये तो आ गया माइनस का सेवन एक्स तो फोर्टी माइनस सेवन एक्स फोर्टी माइनस सेवन एक्स मीन ये वाला क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अब नेक्स्ट क्या है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैन रिसीव्ड मेडल इन एटलीस्ट टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स टू ऑफ थ्री एटलीस्ट टू ऑफ थ्री एटलीस्ट टू ऑफ थ्री मतलब ये टू और थ्री ये चलेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो ये रहा, 40 7X, और इसमें एक्स ऐड कर दूं तो वो किसका वैल्यू आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 40 7X का X, तो कितना ऑप्शन है ये वाला फोर्थ ऑप्शन अब उसने में क्या पूछा हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एक्जेक्टली वन ऑफ थ्री एक्जेक्टली वन एक्जेक्टली मीन ये वाला अल्फा वाला पोर्शन ये बीटा वाला पोर्शन एक्जेक्टली में तो यही आ रहा है ना बाकी तो सब दो दो स्पोर्ट्स में आ रहे हैं एक्जेक्टली वन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अब एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से कैलकुलेट कर ले किसका वैल्यू चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का वो ये रहा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू फोर्टीन एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस सी तो कितना हो गया ट्वेंटी वन तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया क्या होता है P? Symmetric matrix means a plus a साथ में क्या आता है बाहर वन अपॉन टू ए और ए ट्रांसफोज ए तो गिवन है ए ट्रांसपोज अपन यहाँ पे लिख लेते क्या है ये? जीरो तो आना ही आना है यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा यहाँ पे और कोस स्क्वायर क्यों ये वाले ऐसे घूम जाती है तो साइन स्क्वायर फिर कोस स्क्वायर रो वाले कॉलम में आ जाते हैं कॉलम वाले रो में चले जाते हैं ट्रांसपोज का मतलब कॉस स्क्वायर जीरो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और जीरो यही सब है अब अपने को ए ए प्लस चाहिए ना तो इन दोनों को करना है ऐड वन बाई टू से करना है मल्टीप्लाई ए प्लस ए ट्रांसफोर इसको और इसको ऐड करना है जीरो में जीरो ऐड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना आएगा वन और अंदर लेके जाओगे वन बाई टू सबसे मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू वन बाई टू तो जीरो वन बाई टू तो यहां तक तो ठीक लग रहा है यह मिल रहा है कुछ कुछ तो फिर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो यह भी वन और वन बाई टू ऐसे करोगे तो सभी के अंदर क्या आ जाएगा यह सारी चीजें मैच कर तो यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज क्यू इक्वल टू क्यू मीनस सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है क्यू वन बाई टू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ये होती है उसमें से ये वाली माइनस करनी अपने में से ये माइनस जीरो में से जीरो माइनस किया कुछ फर्क नहीं पड़ना तो जीरो तो चारों में है तो जीरो से तो कुछ लेकिन वन बाई टू और चाहिए अपने साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे साइन स्क्वायर है यहाँ पे कोस स्क्वायर ए माइनस ए ट्रांसपोज साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है अपने पास में कोस टू थीटा बट साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस कोस टू थीटा और वन बाई टू से मल्टीप्लाई और करना है ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है मस्त यही आंसर हो जाएगा अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बाकी सब भी मैच कर जाएंगे इससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नाइन वट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है अपने को तो इसको ओपन क्या देखे? देखे? कर देते डिलीट कर देते ये काम मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है यहां से निकालना जीरो के साथ में तो कुछ आएगा नहीं साइन स्क्वायर के साथ में आएगा जीरो माइनस साइन स्क्वायर साइन पावर फोर तो माइनस का आ जाएगा साइन पावर फोर थीटा लेकिन एक माइनस तो इसके साथ में आता है ना तो ये प्लस हो गया और इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन पावर फोर साइन पावर सिक्स और वैसे कोस स्क्वायर के साथ में कोस पावर फोर तो ये आ जाएगा पावर थीटा ये आ गया ऑफ़ का सम होता है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अब इसको मर्ज करने के लिए क्या करें फोर से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो वन माइनस थ्री बाई फोर फोर से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर क्या बन जाएगा टू साइन थीटा कोर्स थीटा और उसका कंप्लीट का स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टू टाइम थीटा अब देखो इसका चाहिए अपने को मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के मतलब ये वाला नेगेटिव वाला मैक्सिमम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा माइनस हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा तो वन माइनस थ्री बाई फोर और ये मैक्सिमम कितना है? होता है वन के इक्वल होता है मैक्सिमम तो वन माइनस थ्री बाई फोर तो मिनिमम कितना आ जाएगा वन अफन फोर कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 40 एबीसी इज ए ट्रायंगुलर प्लॉट विथ ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर बी सी सी ए ये सब कुछ गिवन है अपने को एक अपने पास में ट्रायंगुलर प्लॉट है क्या नाम है उसका ए बी सी इसको ले लेता हूं मैं सी और ये ए देखो ए बी लेंथ है सिक्सटीन ए सी लेंथ टेन और बी सी भी टेन तो ये क्या है अपने पास में एक तरह से बन गया ना ए लैंप पोस्ट इज सिचुएटेड सिचुएटेड एट द द मिडिल मिडिल पॉइंट पॉइंट ऑफ साइड ए बी इसके पे एक लैंप पोस्ट रखा हुआ मान लो ऐसे ही रखा हुआ है लैंप पोस्ट सब टेंड एंड एंगल फोर्टी फाइव डिग्री यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना ये वाला ये वाला एंगल ये क्या बन रहा है फोर्टी फाइव का बन रहा है तो मैं मान लेता हूं यहां आप कहीं पे ऐसे लैंप पोस्ट है और ये वाला एंगल जो बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री ये तो 90 है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर रहेगा तो ये वाले को पॉइंट को मान लिया मैंने डी और इसको मान लिया पी लैंप पोस्ट है तो एक ट्राइंगल बन गया अपने पास में कैसा राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला पॉइंट तो है डी और ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है बी यहां पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का और ये डिस्टेंस कितनी है एट मिड पॉइंट पे तो सिक्सटीन का हाफ कितना हो गया एट और अपने को वट इज हाइट ऑफ पोस्ट हाइट निकालनी है ये मान लेता हूँ सीधा सा टेन थीटा लगाना है टेन फोर्टी फाइव इक्वल टू एच बाई एट टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू होता है वन तो एच का वैल्यू कितना आ गया एट मीटर नेक्स्ट वी अपॉन साइंस ए बी अपोन साइंस A, means, ये वाली लेंथ और साइन सी मतलब ये वाला एंगल साइन सी निकालना है ना चलो अपन साइन सी निकालते तो इसमें से कैसे साइन सी ये वाली लेंथ इसको मैं मिला देता तो, हूँ ये मिडिल पॉइंट पे कट करेगा डी पे ये एट अब देखो

बेस अपॉन हाइपोटेन है सिक्स बाई टेन तो कितना आ गया थ्री अपॉन फाइव और साइन सी तो चाहिए अपने को साइन सी कैसे निकालोगे टू साइन सी बाई टू कोस सी बाई टू साइन सी आ गया अपने पास में टू टाइम साइन सी बाई टू मीन फोर अपॉन फाइव और कोस मतलब थ्री अपॉन फाइव कितना आ गया ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी साइंस सी का वैल्यू यह

एंगल भी सेम हो जाएंगे कॉस ए का वैल्यू नहीं इसी ट्राइंगल में निकाल लो राइट एंगल में तो कितना आ जाएगा कोस बी कोस बी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस कितना है एट बाई टेन तो कोस ए और कोस बी के वैल्यू कितने आ गए अपने पास में फोर अपॉन फाइव और फोर अपॉन कोस सी चाहिए कोस सी निकालना है साइंस ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव और साइंस है तो कोस सी आ जाएगा कितना होता है सेवन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी होते हैं ट्रिपलेट सेवन बाई ट्वेंटी फाइव ये आ जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी कितना हो गया इसको निकालोगे तो ऐड कर लेना आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री देर आर टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर विच लीन्स टू अब देखो एक टावर है वो क्या कर रहा है लीनिंग टावर है एक साइड में झुका हुआ है इस साइड में झुका हुआ तो पॉइंट इस साइड में इस साइड में झुका हुआ तो पॉइंट इस साइड तो मैं मान लेता हूं कि ये कहां पे इस साइड में लीन कर रहा है यहां पे कुछ पॉइंट है ये लीनिंग है ये वाला टावर ऐसा कुछ टावर है? इस साइड को मान लेता हूं एच ये वाली डिस्टेंस ले लेता हूं डी अब इसने बोला है पीज इज एट एट डिस्टेंस एक्स पी पॉइंट है वो क्या है एक्स डिस्टेंस पे और q वाई डिस्टेंस पे? एक चीज इसने एक्स और वाई ये दिया है कि एक्स पड़े पी तो पॉइंट क्या होगा ये पॉइंट होगा। और क्यू पॉइंट क्या होगा? पास में होगा। कहां से इसके पास में x है और ये वाली डिस्टेंस क्या है मान लिया कितनी अब यहां पे कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहे होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पी पी से तो कितने डिग्री और यहां से कितना है 75 डिग्री। अब देखो। 10, 15। इस पूरे ट्राइंगल में बड़े वाले में टेन फिफ्टीन का वैल्यू एच अपॉन एक्स प्लस डी एच अपॉन एक्स प्लस डी और वैसे टेन 1075 का वैल्यू कितना आ गया 1075 का वैल्यू आ गया अपने अपने पास में नहीं को क्या चाहिए एच चाहिए तो डी को गायब करना पड़ेगा टेन फिफ्टीन और टेन में क्या रिलेशन टेन फिफ्टीन का वैल्यू होता है टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री सॉरी टू माइनस रूट थ्री यही होता है टू माइनस रूट थ्री और टेन सेवन का कितना होता है टू प्लस रूट थ्री इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा अब अपने को चाहिए d का वैल्यू निकालना है तो h अपोन d का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया h अपोन टेन सेवन टेन फिफ्टीन मीन टू माइनस रूट थ्री और माइनस का x और यहां से डी का वैल्यू क्या आएगा एच अपॉन टू प्लस रूट थ्री और माइनस का वाई डी को इक्वल करेंगे तो एच में और वाई में क्या आ जाएगा अपने पास में रिलेशन आ जाएगा एक्स में ये टू प्लस रूट थ्री ऊपर जाएगा टू प्लस रूट थ्री माइनस एक्स इक्वल टू एच इंटू टू माइनस रूट थ्री माइनस तो यहां से एच का वैल्यू आ जाएगी वैल्यू आ जाएगा ये वाला आंसर अब नेक्स्ट चलो इसमें। टू to the horizontal, देन what इज कॉट थीटा इक्वल टू ये वाला एंगल ये बोल रहा है कि थीटा है तो अब को कोर्ट थीटा निकालना है कोर्ट थीटा का मतलब h बाई डी एच बाई डी चाहिए ना अपने को थीटा और किसी एक एंगल पता है क्या अपने कोट इक्वल टू एच बाई डी एच की लेंथ तो अपने को पता है ना एच और डी अपन निकाल सकते हैं वहां से चलो डी का वैल्यू ये रहा और एच का वैल्यू थीटा सॉरी डी बाई एच होता है थीटा यहां से क्या है डी बाई एच बेस अपोन हाइपोटेनिस होता है डी वाई एच डी ये रहा और उसमें क्या करना है एच का डिवाइड करना है तो ये तो आ गया वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री और माइनस एक्स अपॉन एच एच का वैल्यू अपन ने पीछे वाले में निकाला है क्या आया था ये वाले एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री सॉरी ये वाला यहां पर रखेंगे तो एक ऑप्शन कौन सा ये वाला ये वाला मैच कर जाएगा अब अपने को क्या पूछा है इसनेक्स्ट क्वेश्चन एक और है लेंथ ऑफ टावर एल का वैल्यू पूछा है ये वाली लेंथ लेंथ ऑफ टावर यही है एल देखो अगर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करेंगे तब तो काफ़ी टफ हो जाएगा क्योंकि इसने जो ऑप्शन दिए हुए ना वो वाले मैच करना लेकिन अपने को वो नहीं करना है अपने को क्या करना है यहां से अपन निकाल लेते हैं एल का वैल्यू निकाल लेना ना एच बाई एल क्या होता है साइन थीटा तो एक फार्मूला होता है अपने पास में साइन थीटा यहां पे कर देता हूं मैं छोटा सा है

थीटा का वैल्यू ये आया था और एच का वैल्यू ये आया था तो बाहर तो ये आ जाएगा और कॉर्ट थीटा देखो इसी फॉर्म वाला इसी टाइप वाला है ना इसमें तो सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा ये ओके अब क्वेश्चन नंबर आता है अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ कॉशेक ये कॉशेक के अंदर कुछ एंगल दिया हुआ है तो पहले तो थ्री से डिवाइड कर देंगे माइनस को बाहर लेके आएंगे तो साइन माइनस बाहर आ जाएगा साइन और कॉसक में तो माइनस कॉसेक 73 थ्री पाई तो थ्री से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा टू फोर पाई प्लस पाई बाई थ्री और कॉसेक और साइन में टू एन पाई प्लस थीटा क्या होता है थीटा ही होता है कॉसेक थीटा और साइन थीटा होता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम के वापस आ जाएंगे तो ये आ गया माइनस कॉसेक ऑफ पाई अपॉन थ्री और कॉसेक पाई अपॉन थ्री साइन पाई अपॉन थ्री होता है रूट थ्री बाई टू और कॉशेक क्या हो जाएगा टू बाई रूट थ्री नेगेटिव साइन के साथ में तो ये वाला क्लियर हो गया अपना फोर्टी सेवन में देखो फोर्टी सेवन के अंदर दो तो सम में है, दो प्रोडक्ट में है, तो इनको या तो या सम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो या इनको सम में अपन इसी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते तो इसको प्रोडक्ट में लिखेंगे तो टू कॉस सी प्लस डी अपॉइन टू फाइव पाई और सेवन पाई मिलके कितने हो गए ट्वेल्व पाई और टू से डिवाइड करोगे तो कॉस ऑफ सिक्स पाई बाई सेवनटीन और फिर क्या होता है माइनस करना होता है सेवन माइनस फाइव टू तो ये आ गया कॉस ऑफ पाई अपॉन सेवनटीन टू कॉस इलेवन पाई अपॉन सेवनटीन कॉस पाई अपॉन सेवनटीन अब कॉस पाई अपॉन सेवनटीन कॉस पाई अपॉन सेवनटीन टू टू आ गए कॉमन अंदर क्या है कॉस सिक्स पाई अपॉन सेवनटीन और कॉस एलेवन पाई अपॉन सेवनटीन देखो सिक्स पाई और इलेवन पाई मिलकर सेवनटीन पाई होता है और 17 से डिवाइड जीरो तो मतलब जीरो इंटू कुछ भी तो वो क्या आ जाएगा जीरो तो अपना आंसर क्या हो जाएगा जीरो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्टी सेवन उसके बाद में आता है अपना दो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्या है टेन थ्री पाई बाई एट इसका वैल्यू निकालना अपने को टेन थ्री पाई बाई एट को क्या लिख सकते हैं अपन टेन पाई बाई टू माइनस पाई बाई एट तो कितना आ गया टेन पाई बाई एट सॉरी कोट पाई बाई एट और वो किसके इक्वल होता है वन अपॉन टेन फाइव बाई एट टेन पाई बाई फोर तो बताया टेन पाई बाई एट क्या होता है उसका हाफ होता है तो हाफ एंगल फॉर्मूला से अपन क्या निकालेंगे टेन पाई 8 एट का टेन पाई बाई फोर इक्वल टू टेन पाई वाई फोर वन होता है टेन पाई बाई फोर इक्वल टू टू टेन पाई एट क्या आएगा पे पाई बाई एट को मैं मान लेता हूँ टी वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई एट तो टी स्क्वायर आ गया तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन तो टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस फोर अपॉन टू तो टी के वैल्यू दो आएंगे एक तो नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला लेना नहीं, नहीं है क्योंकि ये कितना है साढ़े बाईस डिग्री है तो पॉजिटिव होता है रूट टू माइनस वन ये आ गया टी का वैल्यू टी का वैल्यू मीन्स टेन पाई बाई एट का वैल्यू और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा वन अपॉन रूट टू माइनस वन ये है और ऊपर लेके जाएंगे तो रूट टू प्लस वन ये अपने पास में आ गया रूट टू प्लस वन तो फोर्टी एट वाला कंप्लीट हो गया रूट टू माइ प्लस वन कौन से थर्टी डिग्री cot थर्टी और टेन इनवर्स बाहर लगा हुआ है और cot थर्टी कितना होता है cot थर्टी रूट थ्री और टेन इनवर्स रूट थ्री कितना होता है बाई बाई थ्री तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया फोर्थ नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे आते हैं फिर इन ए ट्राइंगल ए बी इज कॉस थ्री सी कॉस थ्री सी का वैल्यू निकालना है कोसाइन फॉर्मूला लगा के कोस सी का वैल्यू निकालेंगे फिर कोस थ्री सी आ जाएगा तो कोस सी का वैल्यू क्या आएगा अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ये वाला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मीन्स का स्क्वायर सिक्सटीन बी का मीन्स नाइन और सी स्क्वायर मीन्स फोर टाइम फोर ये आता है टू ए बी सिक्सटीन और नाइन कितने हो गए ट्वेंटी फाइव माइनस फोर ट्वेंटी वन अपॉन टू इंटू फोर इंटू थ्री थ्री सेवन अपॉन एट किसका वैल्यू cos सी का और कोस थ्री थीटा क्या होता है फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा

बाई फोर और साइन कोस थर्टी सिक्स का रूट फाइव प्लस वन अपॉन फोर तो यहां से अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगा इसका आंसर वन बाई टू इसके बाद में कोस क्वेश्चन नंबर है फिफ्टी टू एक्स का वैल्यू है ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फोर तो कोस एक्स का वैल्यू क्या हो गया ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव उल्टा कर देंगे फिर इसने बोला फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव और टेन भी नेगेटिव साइन so, एक्स क्या आ, तो आ जाएगा अपने अपॉन ट्वेंटी माइनस सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर ये दोनों आ गए दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने स्क्वायर वन सिक्स कोट स्क्वायर वन सिक्स और फिफ्टीन कितना टेन स्क्वायर वन फिफ्टीन लिख दू इसकोट स्क्वायर फिफ्टीन वो कितना आता है? फिर square यहाँ पे कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एल सी एम दोनों में क्या आएगा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर फिफ्टीन और कोस स्क्वायर फिफ्टीन अब देखो इसमें क्या आएगा दोनों मिलके और ये आ जाएगा 4, 15. 4, 4, इसको लिख सकता हूं मैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर फिफ्टीन कॉस स्क्वायर फिफ्टीन और नीचे भी यही है अब इसका वैल्यू क्या है वन बाई फोर साइन स्क्वायर थर्टी इसको लिख दो फिर वन बाई फोर साइन स्क्वायर थर्टी मीन्स फोर से मल्टीप्लाई फोर से डिवाइड करने पे आ गया तो वन माइनस टू इंटू वन बाई फोर मीन्स वन बाई टू साइन स्क्वायर फिफ्टीन का डबल थर्टीन और वन बाई फोर साइन स्क्वायर थर्टीन ये कितना आ गया वन माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई फोर तो कितना आ गया वन बाई एट और ये आ गया वन बाई सिक्सटीन यहाँ से अपने को आंसर पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इज़ द वैल्यू ऑफ साइन टू एन पाई प्लस देखो साइन टू पाई प्लस थीटा क्या साइन फाइव पाई बाई सिक्स को क्या माइनस फाइव बाई कितना होता है साइन पाव बाई ही होता है साइन पाई बाई सी बाई टू और ये भी वन बाई टू तो कितना आ गया माइनस का वन बाई फोर

वन अपॉन टू देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे अपने वो जीरो से टू पाई में थ्री सिक्सटी मीन टू पाई तो अपन क्या करेंगे ग्राफ बना के सीधा सीधा चेक कर लेंगे यहां तक आएगा तो ये पाई बाई फोर है ये पाई बाई टू ये क्या आ गया पाई ये क्या आ जाएगा टू पाई तो ये हाफ वाली लाइन है तो, आ One, two, three, तो कितने आ जाएंगे वन टू थ्री फोर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएंगे फोर वैल्यूज तो एक्स की कितने वैल्यू आ जाएगी फोर वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 56 सिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन एंड इनक्लाइनिंग एट एक लाइन है जो क्या कर रही है ओरिजन से पास हो रही है ये ओरिजन है यहाँ से पास हो रही है और क्या है एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन की एक्स एक्सिस से कितना है इनक्लाइन है सेवनटी डिग्री तो स्लोप क्या हो गया टेन सेवनटी तो वो कितना हो गया टू प्लस रूट थ्री तो लाइन क्या आ जाएगी वाई इक्वल टू एम टू प्लस रूट थ्री इंटू एक्स ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ये होती है टू प्लस रूट थ्री इन टू एक्स अब ये बोल रहा है कि ये वाली लाइन इससे पास हो रही है बिल्कुल हो रही है एक्स का वैल्यू वन पुट करोगे तो वाई का वैल्यू यही आएगा टू माइनस टू प्लस रूट थ्री सही है तो ये वाले स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया इससे पास नहीं होगी ना वाई का वैल्यू ये रखोगे तो ज्यादा आ जाएगा वन रखोगे तो वाई का वैल्यू टू तो, प्लस रूट थ्री आएगी यह बोल रहा है वन अपॉइंट टू माइनस रूट थ्री वन अपॉइंट टू माइनस रूट थ्री भी टू प्लस रूट थ्री का इक्वल होता है वन कोमा टू प्लस रूट थ्री तो ये वाला पहला स्टेटमेंट क्या है सही है सेकंड स्टेटमेंट क्या है द लाइन एंटायरली लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड में ये तो ये भी सही है तो क्या हो गया बोथ ए एंड बी अब क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन टी एक पॉइंट है थ्री कोमा फोर इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस ये एक लाइन सेगमेंट है कहाँ पे एक्सेसिस के बीच में ये वाला पॉइंट क्या है थ्री कोमा फोर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए कोमा जीरो और इसको मान लेता हूँ जीरो मिड पॉइंट है ये लाइन दोनों बराबर है इसका मतलब का वैल्यू किसके इक्वल है थ्री के और बी बाई टू का वैल्यू फोर के इक्वल है तो ए का वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगा सिक्स और बी का वैल्यू एट सिक्स और एट तो कौन सा आ जाएगा अपने पास में एक इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो x बाई सिक्स प्लस वाई बाई एट इक्वल टू वन मल्टीप्लाई कर दो किससे एल सी एम से एल सी एम कितना है ट्वेंटी फोर तो ये तो आ जाएगा थ्री फोर एक्स प्लस थ्री फाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है Next question अपने पास में ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट बेस ए बी ऑफ एन इक्विलेट्रल ट्राइंगल ए बी सी विद साइड एट सेंटीमीटर

एक लाइन निकालनी अपने को पैरल होनी चाहिए किसके ए सी के और एट कोमा जीरो मतलब ये, ये क्या है जीरो है, है, तो मतलब ये वाली फोर हो गई और ये वाली एट ये वाली लेंथ निकाल सकते अपन कितनी एट स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर कितना हो गया फोर स्क्वायर का रूट एट स्क्वायर में सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटीन कितना हो गया सिक्सटी फोर फोर इंटू रूट थ्री फोर रूट थ्री तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी फोर रूट थ्री ये वाला पॉइंट क्या हो गया फोर रूट थ्री जीरो और ये वाला माइनस फोर रूट थ्री जीरो सेम यानी डिस्टेंस सेम आनी बस डायरेक्शन अलग होगी अब अपने को चाहिए ए सी के पैनल तो स्लोप पता चल जाएगा एम ऑफ ए सी ये पता चल गया और एक पॉइंट एट कोमा जीरो इसके आगे से निकलेगा तो एक लाइन तो ये वाली आएगी और दूसरी लाइन क्या आएगी एट कोमा जीरो से ऐसी कोई एक लाइन हो रहेगी जो क्या है इसके पैल तो ये लाइन और ये लाइन दो लाइन आएगी इसमें जो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा 59 सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट फोर एंड सिक्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक सर्कल है उसका अपने को निकालना है सेंटर कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से पास भी हो रहा है और क्या कर रहा है फोर और एट सेंटीमीटर के दो इंटरसेप्ट बना रही है फोर और ये सिक्स फोर मीन्स ये वाला पॉइंट क्या हो गया ये वाली लेंथ टू और ये वाली लेंथ थ्री तो ये हाइट तो कितनी होगी थ्री और लेंथ कितनी होगी तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया सेंटर यही होगा सेंटर इसको और इसको मैच कर दो तो ये सेंटर हो गया टू कोमा थ्री टू कोमा थ्री किसको सेटिस्फाई कर रहा है टू कोमा थ्री सिक्स सिक्स माइनस सिक्स ये भी नहीं है

प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन अब दो पॉइंट इसने दे रखे 3.2 3.2 पुट करोगे तो कितना आएगा सिक्स नाइन बाई ए स्क्वायर और फिर फोर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन एक तो यहाँ से आएगा एक 1.6 कोमा 1 है मीन्स बाई ए स्क्वायर और 36 सिक्स बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और इस क्या है रूट ऑफ वन माइनस इस बार पता चल जाएगा जो छोटा होगा ऊपर आ जाएगा और बड़ा होगा जो नीचे आ जाएगा ये ए माना है मान लो अपन ने और बड़ा कौन सा हो जाएगा ए ए स्क्वायर भाई बी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल एलिप्स से तो बी स्क्वायर बड़ा आएगा तो वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इससे अपने को पता चल जाएगा इस ठीक है ओके okay, बेटा तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आपका सिक्सटी से लेके

थ्री पी स्क्वायर अपॉन फोर का अंडर रूट तो ये बच्चों बन जाएगा हमारे पास रूट थ्री पी बाई तो बच्चों बी कोऑर्डिनेट हमारे पास बन गया रूट थ्री पी बाई कॉमा बीस का क्या बन गया बेटा p बाई टू बन गया अब बच्चों ये तुम्हारे पास कहां पे पैराबोला पे तो उसको सेटिस्फाई करेगा तो यहां से क्या बन गया देखिएगा रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बच्चों इसके पास

रूट थ्री पे बैठा ना ये पी बाय टू इसका और ये लेंथ हमारे पास विर्थ इसका क्या है हाइट क्या है रूट थ्री पी बाय टू आ जाएगा ठीक है ना तो बच्चों यहाँ पे इसको पुट करेंगे ना आप तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स हमारे पास क्या है पी टू तो पी स्क्वायर बाई फोर इक्व रूट थ्री इन टू वाई हमारे पास क्या इसका रूट थ्री पी बाय टू तो पी से बच्चो पी कैंसिल टू कैंसिल सिक्स जब बच्चों पी तुम्हारे पास सिक्स है और क्यू तुम्हारे पास रूट तीन है तो पास में कैसा रिलेशन है बोलो यार इसको क्या कर यारूट थ्री कौन सा करा बोलो नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेटा तुम्हारे पास चार पॉइंट्स है एक तुम्हारे पास ए है एक तुम्हारे पास बी है एक सी है ना ए पॉइंट क्या है टू फोर सिक्स बी तुम्हारे पास क्या बेटा माइनस का टू माइनस का फोर माइनस का टू सी तुम्हारे पास क्या है फोर सिक्स फोर ठीक है बेटा डी तुम्हारे पास क्या है एट फोर सॉरी एट फोर्टीन एंड ट्वेल आ रहा है ठीक है ना आप बच्चों यहां से इसका ए बी निकाल लीजिए बच्चों आप देखेंगे ए बी तुम्हारे पास डी सी के बराबर आएगा ठीक है ना लेंथ बराबर आएगा देखिएगा आप और तुम्हारे पास बच्चों ए डी तुम्हारे पास बी सी के बच्चों बराबर आ रहा बट परपेंडिकुलर नहीं बेटा क्योंकि इसका डायरेक्शन जो रेशो ना इसका डी आर निकाल लो बेटा इसका डी आर निकाल लो एबी बट जो साइड इसका डी आर डायरेक्शन से क्या बनेगा बेटा इसका डीआर तुम्हारे पास बन जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ एबी वो तुम्हारे पास क्या बनेगा वो तुम्हारे पास बच्चों आएगा टू टू फोर फोर कोमा यहां पे एट कोमा एट और बेटा इसका तुम्हारे पास क्या आएगा इसका तुम्हारे पास डीआर आर आएगा सिक्स टेन और बेटा सिक्स तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे

हमारे पास बच्चों प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा 64 है ना प्लेन का बच्चों इक्वेशन बन जाएगा का जेड बाई प्लेन का टू जेड माइनस का टूस टू जीरो बच्चों प्लेन काट आर दायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो क्या बन गए बन गए है ना डी आर ये बन गया तो डायरेक्शन डीसी कहेंगे बोलो बेटा इसकी डीसी बन जाएंगी एक बेटा

एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस तो बच्चों आपका वहां से क्या बनेगा जीरो तो तुम्हारे पास y की बात हो रही है तो y बाकी एक्स वाला और जेड वाला द लाइन एक्सिस ना तो बेटा जेड एक्सिस क्या आएगा एक्स प्लेन आएगा तो एक्स प्लेन में क्या होगा एक्स विल बी नॉन जीरो सही है तो इसके दोनों बच्चे ऑप्शन सही हो जाएंगे ना ऑप्शन बहुत एंड बी करेट

ए वेक्टर बन जाएगा बच्चों और तुम्हारे पास यहां से मतलब बीटा माइनस है ना क्योंकि डायरेक्शन सेम हो जाएगा ना यहाँ पे चेंज जाएगा तो बीटा वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर ये तुम्हारे पास बच्चों क्या आएगा बोलो बी बी वेक्टर आ जाएगा तो अपने निकालना भी क्या है देन पी क्यू वेक्टर तो आपको ए वेक्टर निकालना यहाँ से ठीक है तो एल्फा निकालना अपने यार तो यहां माइनस करके जोड़ दो माइनस करने से बेटा ये बन जाएगा तुम्हारे पास टू एल्फा वेक्टर विल बी

तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा ए डॉट ए का वन हो जाएगा तो पांच माइनस का फोर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का ये बन जाएगा टेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस का एट इज जीरो बच्चों यहां से बन गया सिक्स तो सिक्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास बन गया बच्चों थ्री ठीक है ना तो बेटा यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तुम्हारे पास बन गया वन बाय टू तो इनके बीस का एंगल क्या बन गया अभी क्या बन गया बेटा ए वेक्टर का मोड

द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी और बेटर एंगल ए बी सी आर दिस वन दिस वन ठीक है ना व्हाट इज द एंगल सी बेटा तो तुम्हारे पास क्या रखा है यहाँ पे ए बी और सी बच्चों ठीक है ना ए तुम्हारे पास क्या बोलो जीरो वन वन बी तुम्हारे पास क्या बेटा थ्री वन फाइव बी तुम्हारे पास है थ्री और फाइव सी तुम्हारे पास क्या बेटा जीरो थ्री और थ्री बेटा ठीक है ना तो बेटा आपको पूछा है एंगल सी तो बेटा पहले ए वेक्टर निकाल लो ये वेक्टर निकाल लो तो यहां पे सी वेक्टर तुम्हारे पास क्या बनेगा बेटा क्या बनेगा देखिएगा आपका जीरो माइनस जीरो और मतलब एक माइनस का तीन एक माइनस का तीन तो माइनस का टू आई सॉरी माइनस का टू जे और एक माइनस का तो माइनस का टू के काफ और बेटा यहां से क्या कर लो आप सी बी वैक्टर निकालो बेटा वो तुम्हारे पास क्या क्या बोलो भाई थ्री आई और माइनस का टू जे और प्लस का टू के का आप एंगल निकालोगे ना तो वो तुम्हारे पास क्या देखो भाई इन दोनों का डॉट जीरो जीरो और प्लस का चार और माइनस का चार ये तुम्हारे पास जीरो आ रहा है तो बेटा जब डॉट जीरो बनना दोनों आपस में क्या बन गया तो बीस का एंगल क्या बन गया फाइव बाई टू तो ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट अब तुम्हारे पास सेवेंटी वन से लेके और अपू

ये बच्चों से कैंसिल आउट हो गया ठीक है ना तो बच्चों हमारे पास एट लास्ट के का मान यहां से क्या बन गया बोलो यार के का मान हमारे पास कहीं पर गड़बड़ कर दिया गया इंटू फोर एक्स प्लस बेटा पे आएगा। ये आएगा ना तो के का मान आ जाएगा सात ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट है ना ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट नेक्स्ट आ जाए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन ठीक है बेटा आप देखो इसको आप लिख पाओगे एक्स स्क्स का टू एक्स प्लस ग्यारह को यहां से क्या लिखेंगे आप एक्स स्क्स का टू एक्स प्लस प्लस का टेन ठीक है बेटा ठीक बेटा इसको आप तो है दस. तो दस आ रही है तो तुम्हारे पास इसका मिनोम वैल्यू क्या जाएगा बोलो बेटा लोग टेन बस टेन तुम्हारे पास यहां पर एक ऑप्शन बी बी करेक्ट नेक्स्ट आ जाओ सेवेंटी फोर में तो बेटा आप यहां से क्या कर लो एक्स की पार एक्स को टी मान लो बस तो तुम्हारे पास x की पावर x 1 ln x dx वो तुम्हारे पास क्या बनेगा बेटा dt बन जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो t2 dt सॉरी t dt ना t dt हो जाएगा ठीक है तो बन जाएगा t2 2 और प्लस का c कांस्टेंट तो t2 2 दिस मींस व्हाट x की पावर x है ना उसकी पावर दो तो बेटा ऑप्शन b विल बी करेक्ट नेक्स्ट आ जाओ बेटा 75 पे बेटा इसमें क्या कर लीजिए आप बेटा e x इंटू वन प्लस एल एन एक्स प्लस पावर एक्स इंटू बेटा एक्स इंटू एल एन एक्स ना दो पार्ट में ब्रेक कर लो बेटा ठीक है ना तो पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स प्लस अपन क्या कर लेंगे इसको फर्स्ट मान लेगा और इसको सेकंड मान लिया बेटा तो यहां से पावर एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव क्या बोलो बेटा एक्स इंटू वन वाई एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू वन इंटू बेटा ई पावर एक्स ठीक है ना अब देख पा रहे बेटा ये वाला पार्ट पूरा इससे कैंसिल हो गया ना इस वाले इंडिकेशन से तो सवाल का आंसर क्या बन गया एक्स एल एन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स और प्लस का सी कॉन्सेंट तो ये बेटा आपके पास सवाल का आंसर हो गया ना सेवेंटी फाइव का पहला आंसर सी है नेक्स्ट बेटा आ जाओ सवाल नंबर सेवेंटी सिक्स में आ जाओ अभी बेटा सेवेंटी सिक्स में अपने पास क्या है ये वन पॉइंट फाइव है तो इसको डिवाइड कर दो आप तो हमारे पास ये क्या बन इसका बेटा इंडिकेशन माइनस नेक्स्ट क्या क्या बोलो कट गया तो साइन एक्स अपॉन रूट ओवर बेटा यहां से आप क्या बोल दीजिए आप साइनक्स को बेटा टी मान लीजिए साइनस को टी मानने पे ये क्या बनेगा तुम्हारे पास डी टी बाई रूट टी माइनस बेटा आप कोस एक्स को यहां से क्या मान लो यू मान लो तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा यू सॉरी डी यू अपॉन रूट ऑफ यू तो बेटा तुम्हारे पास अभी यहां से क्या बनेगा टी टू दी पार माइनस हाफ तो ऊपर ये क्या बनेगा बताओ टू टी two root t का two, root of u, और प्लस का c constant. तो सवाल आंसर क्या बन गया बोलो यार का मान क्या साइन एक्स और यू का मान क्या कोस एक्स तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा ठीक है आपको इसका डेरिवेटिव करना है तो वायरस यहां से क्या बनेगा बताओ वन बाय टू यहां से बाहर निकाल लो x का बन जाएगा वन तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का सोलह प्लस x को छोड़ दिया इंटू उसका क्या बनेगा वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस का सोलह और इंटू टू एक्स ठीक है भाई और माइनस का एट इंटू इसका क्या बनेगा बताओ वन अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का सोलह इंटू बेटा वन प्लस तो यहां पे बनेगा पास two, ठीक है? अपने अपन यहां पे एलसिम इसको ले लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का सोलह और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का सोलह प्लस बन जाएगा बच्चों यहां पे हमारे पास क्या आएगा देखिएगा तो? और यहां से अपने तो अपॉन ये क्या बन जाएगा बेटा रूट ओवर एक्स स्क्वाइनस का सिक्सटीन माइनस का एट इन देखो यहां पे एलसीएम लिया तो अपने पास वो चीज कट जाएगी तो हमारे पास यहां पे क्या बचेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्सटीन बच जाएगा ठीक है ना ठीक है तो अब अपने पास यहां से क्या बन गया बोलो अब हमारे पास यहां पे क्या बच जाएगा भाई इसको सही क्या ना वन बाय टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का वन प्लस एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस का सोलह इंटू टू एक्स ठीक है ना हाँ ये टू से टू कैंसिल हो गया ये बन गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर बन गया ठीक है ना और स्को तो एलसी 16 और माइनस का ना? है। और एट अपॉन ठीक है बढ़िया हाँ तो अब हमारे <स्थ> पास यहां से क्या बन जाएगा ये अब बेटा हमारे पास ये ऊपर से बन जाएगा अपने पास वो बन जाएगा तुम्हारे तो पास एक्स स्क्वायर माइनस का आठ ठीक है और यहां पे बन जाएगा माइनस का एट अपॉन रूट ओवर टू से मैंने डिवाइड कर दिया इसको तो बेटा रूट से कटेगा ना तो तुम्हारे पास ये भी क्या बन जाएगा रूट ओवर रूट ओवर स्क्वायर माइनस का सी वाला पावर एक्स आपके पास ही है ना? X की पावर एक्स तुम्हारे पास ही है तो वाई हमारे पास पावर एक्स टू दावर एक्स तो आप यहाँ पे लोग ले लो इसका लोग y will be आ जाएगा तुम्हारे पास एक एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक तो लोग एक्स आ जाएगा ठीक है ना ठीक है तो यहां पे इसका डेरी बन जाएगा वन अपॉन वाई इंटू वाई डेस इक्व टू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स प्लस टू एक्स इंटू लोग एक्स ये बच्चों से कैंसिल आउट हो गया तो वाई डेस हमारे पास क्या बन गया वाई से क्रॉस गुणा कर दो तो एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई इंटू लोग एक्स ठीक है तो बच्चों हमने एक्स वाई यहां से कॉमन निकाला ना तो वाइड एस माइनस एक्स वाई, वाई कॉमन निकाला तो वन प्लस यहां पे क्या टू एल एन एक्स ना और बराबर जीरो तो का सही है बिल्कुल बढ़िया पेपर आया अच्छे से पेपर आया ठीक है ना सेवनटी नाइन वट इज द मैक्सिमम वैल्यू दिस वन ठीक है तो बेटा आप इसको ढंग से ऑब्जर्व करें सो थ्री साइन एक्स माइनस का थ्री कोश एक्स प्लस यहां पे क्या है फोर कोस क्यूब एक्स माइनस का फोर साइन तुम्हारे पास ये वाला चीज क्या बन गया sin 3x. Sin 3x माइनस का ना या माइनस निकाला तो हमारे पास या फिर ऐसा बोल दीजिए प्लस फोर कोस क्यूबे का थ्री कोश एक्स तुम्हारे पास क्या होता कोस तो थ्री बेटा ये तुम्हारे पास कहां से कहा होता है लेके और प्लस का रूट टू के अंदर वेरी करेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गई रूट टू बन गई बिल्कुल बढ़िया सवाल है ऑप्शन बी सही हो जाएगा ठीक है एटी में जाओ व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन ठीक है ना भाई आपको इसका एरिया बच्चों काउंट करना है ठीक है सवाल मेरा अपने पास कौन सा है नंबर सवाल है यार ठीक है तो अपने पास डायग्राम बनाएंगे इसका पहले यार डायग्राम कैसा बनेगा बताओ इसका डायग्राम बन जाएगा मेरे पास वन माइनस पैराबोलिक ग्राफ है तो हमारे पास क्या बनेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला ना तो बेटा फर्स्ट क्वार पे वन पे जीरो ना ये ग्राफ बनेगा एक तो ये ब्रांच वन पे जिरो और जीरो पे एक तो ये तुम्हारे पास ब्रांच किसकी बन यार, वाई रूट ओवर वन की ब्रांच आ गई यार बराबर गईवर वन माइनस एक्स है और वाई बराबर क्या आपके पास साइन एक्स ये तुम्हारे पास साइन एक्स ठीक है ना और बच्चों आपके पास वाई जीरो वाई जीरो लाइन कौन सी बोलो बेटा ये लाइन है क्या वाई जीरो बच्चों लाइन तुम्हारे पास ये है हमारे पास है एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट बाउंडेड बाई y y to this one, root over x x square, zero. Zero तो अच्छा, बताओ और y को दोनों same रख दो आप root over one minus x square, वन माइनस एक्स स्क्सर इक्व x square माइनस एक्स square. तो square बन गया बच्चों वन तो x तुम्हारे पास बन जाएगा प्लस माइनस का वन बाई रूट टू तो बेटा तुम्हारे पास, आंसर तुम्हारे पास जाएगा, एरिया, वो जाएगा जीरो से लेके वन बाई रूट टू लाइन के लिए क्या एक्स डी एक्स प्लस लेके बेटा वन तक इस वाली ब्रांच के लिए क्या वन माइनस एक्स स्क्वास वाली ब्रांच के लिए ठीक है ना ठीक है भाई तो बेटा आप इसको निकाल लीजिए आप यहां से अपने पास क्या बनेगा बताओ पहले वाले पार्ट का आंसर हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू और जीरो से लेके वन बाई रूट टू, टू प्लस इसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा x को अपन क्या कर दें साइन थीटा पुट कर देंगे तो साइन थीटा पुट करने में बनेगा अपने पास ये बन जाएगा पाई बाई फोर से लेके और पाई बाई टू थीटा पुट करने बेटा ये बन जाएगा कोस थीटा और d थीटा dx हमारे पास क्या है बोल बेटा वो भी cos थीटा तो इसका स्क्वायर ठीक है ना अब बेटा इसको काउंट कर लीजिए आप तो पहले वाला हमारे पास क्या बनेगा 1 √2 का स्क्वायर 1 2 तो बन जाएगा 1 4 प्लस बेटा इसका कैसे करें बताओ cos² थीटा का इसको बेटा हम लिखना पड़ेगा अपने को 1 का सॉरी 1 cos 2 थीटा 2 ठीक है और लिमिट आपने पास आ रही है π 4 से लेके

वन बाई टू और साइन टू थीटा ठीक है ना अब इसकी लिमिट कहां से कहा बताओ पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू तो देखो अब तो वन बाई फोर प्लस ये वन बाई फोर प्लस पाई बाई एट प्लस वन बाई टू इन टू यहां बच्चों पाई बाई टू रखा तो साइन पाई बाई टू जीरो साइन पाई जीरो ना और पाई बाई फोर रखा बच्चों तो वह आ जाएगा मेरे पास माइनस का

तो बेस इंटू हाइट से तुम्हारे पास इस पार्ट का एरिया दो इस पार्ट का एरिया भी दो, ना तो बन जाएगा टेन एल्फा अब बेटा ये तुम्हारे पास क्या बताओ टेन एल्फा प्लस का टेन बीटा एफ एल्फा निकाल लिया ना तो वन माइनस का टेन ऑफ एल्फा और इंटू टेन ऑफ बीटा ये तुम्हारे पास फॉर्मला किसका बोलो यार टेन ऑफ एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मला आएगा तो अब मेरे पास ये क्या बन गया बताओ टेन की फॉर्म में आ गया तो एफ ऑफ एल्फा प्लस का बीटा तो इस सवाल का आंसर कौन सा बन गया बोलो बी बिल्कुल ठीक है ना बी आंसर सही है एटी थ्री पे आ जाओ एफ एक्स हमारे पास क्या बोलो भाई एफ एक्स हमारे पास है ln x एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर अब बेटा ये कैसा फंक्शन है बिकॉज एक्स के लिए क्या बनेगा यार माइनस का ओड फंक्शन है ना एज ओड फंक्शन कैसा बोलो ओड फंक्शन बेटा तो अपने पास यहां से क्या दोनों को कर दो तो एफ ओ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स दैट इज जीरो ऑलवेज ठीक है ना तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका इसका पहला ठीक है ना अभी बिल्कुल बेसिक से सवाल है एटी फोर इसका आपको लिमिट निकालना बेटा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू तो जीरो एक्स अपॉन वन माइनस का थीटा आपके पास क्या होता है टू इंटू मोड ऑफ साइन टू एक्स बेटा, बेटा इसकेचल निकालें इसका निकालें तो क्या बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस और एक्स अपॉन रूट टू इंटू साइन टू एक्स टू से डिवाइड कर दिया तो इसका मोड आपके पास वहां पर क्या बन जाएगा माइनस तो माइनस रूट टू इंटू साइन टू एक्स तो टू से इंटू टू से डिवाइड तो बेटा यह तुम्हारे पास बन जाएगी

x तो बाई एक्स तो वहां जाएगा एक दो आ जाएगा और बच्चों इसकी एल निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी का एक मोड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा ना तो बच्चों ये पास कैंसिल जीरो बन जाएगी ठीक है ना तो तुम्हारे पास दो आ रही है और बच्चों एल पास क्या रही? जीरो आ रही है दोनों साइड से लिमिट अलग आ रही है ना तो हम क्या बोलेंगे लिमिट डोंगिस्ट फोर्थ आ जाऊंग इसे बेटा सीधा आप क्या कर दो भाई लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो अब इसका डेरिवेटिव कर दो सीधा आप तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो इसका बन जाएगा टू साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स प्लस एच में एच की रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं बेटा तो एच के हिसाब से देखें तो ये पार्ट तुम्हारे पास कौन इसका जीरो और एच का वन अब पहुंचा दो एच टेंड इंटू जीरो पे क्या बनेगा ये टू साइन एक्स इंटू तो तो बच्चों सवाल का आंसर आएगा सी आपका सही ऑप्शन है ठीक है ना एटी एट, -एट पे आ जाओ ठीक है बेटा ये वाला फंक्शन है ये फंक्शन बेटा ये वाला फंक्शन कौन सा बनेगा एफ डबल एस तुम्हारे पास माइनस एफ एक्स ठीक है ना तो ऐसा फंक्शन बच्चों कौन सा होता है

अब इसका इसका क्या क्या बोलो बेटा इसका D by Dx क्या गा गा बताओ भाई कैंसिल वो बोला ए एक्स प्लस का बी एक्स क्यूब तो ए तुम्हारे पास का मान बन गया दो और बी का मान तुम्हारे पास क्या बन गया बेटा चार तो तुम्हारे पास टू तु ए क्या बोलो टू बच्चों बी के बराबर है तो ऑप्शन चार सही है ना अच्छा 91 पे अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ठीक है डज अ फंक्शन fx बराबर क्या बोलो यार p into sec x इसका बच्चों स्क्वायर प्लस q cosec x ठीक है ना बच्चों इसका स्क्वायर ठीक है ना भाई अटेंड मिनिमम वैल्यू तो बच्चों मिनिमम कब आएगा बोलो यार जब ये वाला चीज आपके पास इसके बराबर हो जाएगा तो तुम्हारे पास p sec x ठीक है ना बेटा p sec x² x बराबर q सेक्स स्क्वायर एक्स तो बच्चों इसको कर दें आप तो तुम्हारे पास सेक्स इसको यहां ले आओ तो पी बाई क्यू तुम्हारे पास बन जाएगा ये साइन नीचे आ जाएगा इसको ये जाएगा ये ऊपर तो को एक्स एक्स। तो बच्चों अपन यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज टेन स्क्वायर एक्स तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बताओ क्यू अपॉन पी बन जाएगा ना बच्चों मिनिमम वैल्यू अटेंड करने का एक ये शॉर्ट ट्रिक होता है ना कि दोनों चीजों का बराबर कर दो ठीक है तो टेन स्क्वायर एक्स आपके पास बन गया क्यू बाई पी तो पहला ऑप्शन सही है 92 टू इस फंक्शन को अपन ओपन करके देखे तुम्हारे पास कैसा दिखेगा बताओ ये ये बच्चों फंक्शन आएगा x माइनस एक का स्क्वायर प्लस x माइनस दो का स्क्वायर प्लस x माइनस सात का स्क्वायर है ना अटेंड इट्स मिनिमम वैल्यू तो बच्चों मैक्सिमम मैक्सिम कहां पे आएगा इसके डेरिवेटिव पे आएगा तो वो तुम्हारे पास क्या आएगा देखो टू एक्स टू इंटू एक्स माइनस का दो

और इसका सेकंड जो डेरिवेटिव है वो क्या पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या ट्रेंड करेगा मिनिमा तो बच्चों इसका सवाल का आंसर क्या बन गया एक्स बराबर चार नाइनटी पे आ जाओ कंसीडर द स्टेटमेंट इन द फंक्शन तो बेटा इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा बोलो फंक्शन तुम्हारे पास कैसा बनेगा बोलो यार ये मतलब माइनस से लेके जीरो में क्या बनेगा वन माइनस हो जाएगा और बेटा जीरो से लेके तीन में

अब आप जानते हो यार ln 1 minus x dx. फोर क्या होती है एफ एक्स डी एक्स क्या होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स तो बच्चों ये क्या बनेगा जीरो प्लस वन माइनस एक्स तो वन माइनस एक्स डी एक्स ये से कैंसिल आउट ना तो बच्चों इंटीग्रेशन आपके पास क्या बनेगा जीरो ऑप्शन डी बी करेक्ट बेटा 95 फाइव पा जाओ आपके पास क्या बच्चों देखें बेटा कि साइन पार चार प्लस को स्पार चार को बच्चों अपन देखें तो ये फंक्शन हमारे पास क्या वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू को स्क्वायर एक्स तो बच्चों ये क्या आपका पीरियोडिक फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियोड इसका बेटा क्या बताओ वो पाई बाई फोर आ रहा है सॉरी पाई बाय टू आ रहा है तो बच्चों क्या करेंगे यार ये इंटरवल के बाद रिपीट करेगा तो इस वाली बच्चों फोर्टी बार आ जाएगा फोर्टी टाइम्स हो जाएगा ना तो फोर्टी टाइम्स इंटीगल जीरो पावर फोर एक्स प्लस का कोस पावर तो फोर एक्स तो बच्चो ये तुम्हारे पास के है तो सवाल का आंसर क्या बन गया बताओ 40 के है ना सवाल का आंसर बन गया बच्चों 40 के ऑप्शन चार सही है 96 पे आ जाओ बेटा 96 पे क्या कर लो आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो माइनस का पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 और ई पावर कोसेक्स sin x dx प्लस माइनस का पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 और बच्चों क्या भाई e पावर sin x cos x dx बच्चों फंक्शन ये वाला फंक्शन कैसा भी ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या बन गया बताओ जीरो अब इस पर करना आपको ठीक है इस फंक्शन में अपन क्या करें बताओ यार ये इवन भी नहीं ओड भी नहीं है ठीक है तो अपन क्या करना है इसको बताओ को मान लो बस तो तो साइन एक्स को टी मान लिया तो बन गया माइनस एक से लेके प्लस एक जीरो प्लस इसका तो जीरो हो गया ना और ये बन जाएगा ई पावर टी और आपके पास डी टी है ना तो बन गया बेटा ये ई पावर टी का ई पावर टी तो माइनस एक से लेके प्लस एक तो बन जाएगा ई माइनस ई पावर माइनस एक तो सवाल e e e e. तो का आंसर क्या बन गया बेटा ई स्क्स वन अपॉन ई बन जाएगा नाइनस वन अपॉन ई तो नाइनटी सिक्स का रीजन इन द्लोज इन y बाई x तो बच्चों ये सर्कल आ गया बेटा सर्कल का डायग्राम कैसा बनेगा बताओ ये डायग्राम बन गया ये पॉइंट कौन सा कोमा जीरो और ये पॉइंट कौन सा जीरो, जीरो माइनस का पाइकुमा जीरो बेटा?

जीरो से लेके पाई और साइन एक्स डीएक्स ना बेटा आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो तुम्हारे पास सवाल का आंसर इसका है इस सवाल बेटा आंसर आपके पास है कैलकुलेट करने पर आंसर इसका आ रहा है ना पाई की पावर थ्री बाई फोर है ना इसको बस इंटीग्रेट करना आपको तो इस सवाल का आंसर अपने पास बन गया बी बी सही सवाल का आंसर ठीक है

ये वाले बच्चे पैरा पैरा वाला ना, ऐसे वाले पैरा वाला बनने वाले ठीक है ब्रिटेन में खास बात क्या बताऊं ये कैसे टाइप के होंगे यार बराबर होंगे यार ठीक है तो यहाँ पे इसका टू एक्स क्या बताऊ चार एन टू वाइड तो बच्चों यहां से वाई डेस क्या बन गया इसका वाई डे बच्चों बन गया टू से टू कैंसिल होने पे एक्स बाई टू ए है ना तो बच्चों यहाँ पे अभी इसका ए निकाल लो यार इसका यहां से ए क्या बनेगा बताऊ

ये प्लस इधर आएगा ना तो माइनस का वन प्लस नहीं नहीं सॉरी इधर तो बेटा वन माइनस कोसेक्स बन जाएगा ना वन माइनस कोसेक् और आपके पास डीएक्स तो बच्चों डीवाई अपॉन डी एक्स तुम्हारे पास यहां से क्या बन गया बताओ माइनस वन माइनस कोसेक्स क्या होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन ये बन जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू यह कैंसिल हो गया तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ठीक है ना ये बन गया बच्चों पास ठीक है अब इसको अपन यहां से क्या लिख लेंगे यार डीवाई माइनस का डी एक्स कोस को डीवाई कॉमन आ गया वन प्लस का माइनस बराबर माइनस का साइन तो ये बन जाएगा आपके पास इधर आने पे सॉरी गड़बड़ कर दिया आपने यार यहाँ साइन प्लस का लगेगा ना क्योंकि ये आपके पास डीएक्स ये बन जाएगा माइनस ठीक है ना

प्राइम घटा दो बस ठीक है ना जो बचेंगे तुम्हारे पास वो कैसे बचेंगे यार वो कंपोजिट नंबर बचेंगे बस ठीक है ना तो यहाँ से प्राइम नंबर कौन कौन से बताओ प्राइम बेटा तुम्हारे पास कौन कौन से बताओ दो हटेगा तीन हटेगा ठीक है ना पांच हटेगा सात हटेगा ठीक है ना और तुम्हारे पास <coughs> <coughs> दो तीन पांच सात और तुम्हारे पास कौन सा बेटा ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस उनतीस ठीक है थर्टी वन थर्टी सेवन फोर्टी वन फोर्टी थ्री बेटा और फोर्टी सेवन बेटा है ना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन और बच्चों ये आपके पास बन गया फिफ्टीन है ना ठीक है बेटा और तुम्हारे पास एक नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ये भी कंपोज़िट नंबर नहीं है है ना 16. तो बच्चों रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बताओ पचास माइनस का सोलह अपॉन पचास बेटा पच्चीस सही है थर्टी तो, सी एन, एन सी सेवन तो एन आपके पास क्या है एन आपका सात से बच्चों बड़ा है तो चलो कोई नंबर लिख लीजिए आप नो दिलो ब नो से सात क्या तुम्हारे पास क्या गा? नो फैक्ट्री अपन सात फैक्ट्री इंटो बेटा दो फैक्टोरियल तो बच्चों यहां पे क्या गा? नो गुण आठ गुना सात फैक्ट्रिय बच्चों तो सात फैक्टोरियल बना दो फैक्ट्री बच्चों है ना ये से कट गया ये दो से कट गया बच्चों ये आपका फोर का सात का मल्टीपल थोड़ी है आप कोई भी नंबर रख के देख लो आप एन को कुछ भी रख के देख लीजिए तो हमारे पास कभी भी क्या सात का मल्टीपल नहीं बनेगा तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास क्या बनेगी बोलो जीरो बन जाएगी ठीक है

छह बटा और दो नंबर निकालने के तरीके क्या है नाइन सी टू तो तुम्हारे पास बन गया छह बटा फोर्टी फाइव तो क्या बन गया बोलो भाई दो बटा तुम्हारे पास क्या बन गया छह बटा पैंतालीस क्या तो छह बटा पैंतालीस को हम क्या लिखेंगे मतलब तुम्हारे पास नंबर क्या है एक सम आपके पास वो आ रहा है तो या तो एक तीन या तीन एक या बच्चों क्या जाए आपका दो छ या छ दो या तीन पांच या पांच तीन या क्या जाए तुम्हारे पास सात एक में एक सात या बच्चों सात एक ये सकता है ठीक है ना इसके अलावा बच्चों क्या हो सकता है अभी नहीं सॉरी चार या ना, ना? हाँ भाई वट इज अंबर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई डिजल बाईस चार तो चार से डिवाइड कब हो सकता है या तो नंबर चार बन जाए

तो तुम्हारे पास ये क्या होना चाहिए टू ज्यादा होना चाहिए यार तो रिक्वायर्ड क्या बताओ एन एन है ना सही है। थ्री पेर बच्चों ये आपके पास सवाल क्या, है? क्या आपके पास थ्री फेर ठीक है व्हाट इज दे आर शो डिफरेंट एपी तो बच्चों आपके पास है ना तीन डाइस को फेंका जा रहा है एक तो सिंगल सिंगल वाली मतलब एपी कौन सा आ सकती है एक दो तीन आ सकता है या दो तीन चार आ सकता है बेटा या तीन चार पांच आ सकता है बेटा या चार पांच छह सकता है बेटा उसके बाद दो दो डिफरेंस वाली एपी भी आ सकती है तो टोटल तुम्हारे पास बच्चों एपी बनेंगी ना वो बनेंगे तुम्हारे पास टोटल रिक्वायर्ड एपी विल बी रिक्वायर्ड बच्चों एपी बनेंगे तुम्हारे पास टोटल बच्चों छह तो बन जाएंगे यहां से ना टोटल तुम्हारे पास बनेंगे यहाँ पे ठीक है रिक्वाइड बच्चों बन जाएगी तुम्हारे तो पास दो प्लस चार प्लस है ना एक एक डिफरेंस वाली दो दो डिफरेंस वाली और बच्चों तीन तीन डिफरेंस वाली अपॉन टू वन सिक्स तो ये तुम्हारे तो पास बच्चों कैंसिल हो जाएगा एक बेटा अठारह ना तो ऑप्शन नंबर बी सही है सवाल का ठीक है तो बेटा आपके पास वेन डायग्राम बना रहा हूं इसका वेन डायग्राम से अपन क्या करेंगे बताओ इसको ये आपका सेट ए या सेट बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हारे पास क्या पॉइंट पांच प्रॉबर्टी ऑफ बी रखा है ये आपका जीरो पॉइंट तीन है

एटमोस्ट फोर टेल्स क्या तो बेटा इसमें कौन देखें तो अपन क्या कर देंगे इसको एटमोस्ट तो इसमें मतलब जीरो टेल भी आ सकता है एक टेल भी तो अपन क्या कर देंगे यार वन में से कर देंगे ऑल आर टेल तो बेटा एक माइनस ऑल टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा एक बटा बत्तीस तो बन जाएगा बत्तीस माइनस एक बटा बत्तीस तो सवाल का आंसर क्या बन गया इकतीस बटा बत्तीस तो अपने पास बनगा इकतीस बटा बत्तीस पहला आंसर इसका बिल्कुल ठीक है 109, so, no. three fair dice are three fair dice are thrown. What is the probability of getting a total greater than equals to 15? Three fair dice है ना? तो बेटा इसमें अपने पास क्या बनेगा बताओ? मतलब what is the probability of getting a total greater than or equal to 15 है ना? तो बेटा यहाँ पे क्या आपके पास 15, 15 का ये पे बनेगा 15, 15 ये बन जाएगा एक तो एक तुम्हारे पास क्या बनेगा बेटा? Six पे देखे तो six, four, five बेटा इसके मतलब तो टोटल छह वेज इसका एक वेज उसके बाद तुम्हारे पास क्या छ पांच पांच इसके तो टोटल तीन वेज उसके बाद छ छ चार के टोटल तीन वेज और बच्चों छ छ पांच इसके बच्चों टोटल तीन वेज तो बन गया आपका नौ छ पंद्रह एक सोलह और एक तुम्हारे पास कौन सा क्या बोलो बेटा एक तुम्हारे पास बन गया सभी पे छ छ आ जाए ना तो जो टोटल आपका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा सत्रह पॉसिबिलिटी ऐसी है उसको दो सोलह से भाग लगा दें तो हमारे पास सी आंसर बन जाएगा ना सी आंसर बिल्कुल ठीक है प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉबर्टी पर्सन हिट अ टारगेट इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ठीक है बेटा प्रॉबर्टिव हिटिंग आपके पास क्या है पॉइंट पांच और बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग आपके पास क्या है नॉट हिटिंग वो भी क्या बेटा एक बटा दो ही है। ये भी बटा वन हिट इन फोर ना तो बेटा क्या कर देंगे भाई एक में से क्या कर देंगे बेटा, तो बेटा तो सोलह तो आंसर बन गया पंद्रह बटा सोलह है ना तो सी वाला आंसर टू वाइट थ्री ब्लैक एंड फोर रेड बॉल्स ठीक है ना बॉक्स में अपने पास क्या बेटा दो कौन से वाइट तीन ब्लैक और चार कौन से बोला रेड बॉल है तो व्हाट व्हाट इज इज द द द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ऑफ वेज ड्रॉइंग थ्री बॉल फ्रॉम बॉक्स विद एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल तो बेटा क्या कर देंगे नाइन में से अपन ने कोई तीन निकाला और बच्चों ब्लैक को छोड़ के बाकी तीन निकाल लिया तो छह से थ्री बच्चों इसको काउंट करने हमारे पास क्या सिक्सटी फोर आ रहा है

उनका डूबने का चांस वन बाई टू इंटू बेटा तुम्हारे तो पास चार बटा तीन का पावर तीन है ना बेटा और डिवाइड करना आपको बेटा, पावर से डिवाइड करना है तो हमारे पास ये काउंट हो एक कार्ड इज ठीक है ना बेटा तुम्हारे तो पास कार्ड है इज ड्रॉन पैक ऑफ्टी टू कार्ड इट इज इधर एन एस ठीक है ना हिज विनिंग तो बेटा तुम्हारे पास टोटल कितना बताओ यार छत्तीस बेटा सोलह बन जाएगा बच्चों ना तो ये बन जाएगा नो बेटा चार ठीक है तो पहला कपल्स टू बी स्टिलेशन बिटवीन जाएगा जीरो पॉइंट ऑफ दंपीशन जॉब मे बी डिलेड विध ठीक है बेटा ये हमारे पास क्या है बेटा, तो तुम्हारे पास दो इसके टाइप बनेंगे ना भाई स्ट्राइक से और आपका यह बच्चों तुम्हारे पास क्या नॉन स्ट्राइक से हो रहा पास है और इसका पास अब ये तुम्हारे पास क्या बना बोलो बेटा स्ट्राइक से क्या बोलो यार स्ट्राइक का तब है ना वो जॉब को टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक तो बच्चों यहां पे अपने पास क्या है यहां से क्या जीरो पॉइंट चार वाले से जीरो पॉइंट पिछासी वाला और यहां पर तो काम नहीं होगा ना काम बच्चों होने का चांस, क्या बनेगा? काम होने चांस बनेगा? इंटू जीरो पॉइंट पैंतीस प्लस जीरो पॉइंट चार इंटू बेटा जीरो पॉइंट पिचासी है ना ये तुम्हारे पास बच्चों बनेगा जीरो पॉइंट फाइव फाइव ये बच्चों क्या है काम होने का उसने क्या पूछा कंस्ट्रक्शन जो विल नॉट बी कंप्लीटेड बेटा तो कंप्लीट नहीं होने का एक में से जीरो पॉइंट तो ऑप्शन तो तो बी 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 ना स्टैंडर्ड डेविएशन के सब फॉर्मूले लगाने के बाद आपके पास बच्चों सबसे हाईएस्ट जॉब कौन सा आएगा बताओ हाईएस्ट आएगा बायोलॉजी के अंदर है ना फॉर्मूले लगाना सीधा आपको

ये तुम्हारे पास सवाल के बच्चों आंसर बनेंगे ठीक है आई होप पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ ठीक है ना बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ठीक है थैंक यू जेसीएलसी सी